नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, हमने सीएसआर नेट के लिए जो यूनिट शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ अबाउट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक यूनिट हमारा एक लेक्चर हो चुका है इस यूनिट का, और आज का जो लेक्चर होगा हमारा तो सेकेंड लेक्चर होगा इसी यूनिट के बारे में। तो पहले यूनिट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, और लास्ट में हम जाके रुके थे एक पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ अबाउट द स्पेसिफिकेशन। एंड स्पेसिफिकेशन में भी हमने कौन सा स्पेसिफिकेशन देखा था, तीन टाइप के स्पेसिफिकेशन देखे थे हमने, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड एसेंशियल स्पेसिफिकेशन। ऐसे कुछ तीन स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, और ये रहा हमारा लास्ट का पॉइंट जिसमें हम पढ़ाया था हमने एसेंशियल स्पेसिफिकेशन, दैट इज इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। और इनसेट के अंदर जो स्पेसिफिकेशन पाया जाता है, दैट इज अबाउट द सिंसिटिकल स्पेसिफिकेशन। अर्ली उम्र में कैसे किस टाइप से, मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड कैसे डेवलप होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसे कि एंटीरियर एंड में बाइकॉर्ड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड पोस्टीरियर एंड में किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, नैनोज का अमाउंट। एंड इंटरमीडिएट रीजन में आपको देखने को मिलता है कि देर इज सम अमाउंट ऑफ बाइकॉर्ड एंड सम अमाउंट ऑफ नैनोज, सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रंक रीजन। वहाँ पे किसका रीजन फॉर्मेशन होगा, ट्रंक का रीजन फॉर्म होता है। और जिस एरिया में हमने आपको बोला था कि बाइकॉर्ड का अमाउंट ज़्यादा होता है और नैनोज का अमाउंट ज़्यादा कम होता है, वहाँ पे या निग्लिजिबल होता है नैनोज का अमाउंट एंटीरियर साइड पे या एंटीरियर एक्सिस पे, वहाँ पे किसका डेवलपमेंट होता है, हेड का डेवलपमेंट होता है। और जहाँ पे हमने कहा था कि नैनोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है एंड बाइकॉर्ड का अमाउंट बहुत कम होता है, उस मतलब वो इंसेट का कौन सा पार्ट बनता है, वहाँ पे एब्डोमिनल रीजन के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे डेवलप होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज़ अबाउट द कुछ कॉन्सेप्ट से हमारे जो पीछे रह गए थे, दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, मॉर्फोजन क्या होता है या मॉर्फोजेनेटिक फील्ड क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिनका मतलब क्लोज रिलेट करते हैं ऐसे तीन कॉन्सेप्ट। बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है ऐसे कॉन्सेप्ट में। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास मॉर्फोजन, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा आज का मॉर्फोजन, कि मॉर्फोजन क्या होते हैं थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा जिसके बारे में हम बात करने वाले, दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। देखिए दोस्तों, एक एक से करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट, और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट हमें कहाँ पे मिलते हैं, सम इन्वर्टिब्रेट लाइक द मोलुस्क होगा, एनिलिड होगा या टूनिकेट्स होगा। जैसे कि मोलुस्क, एनिलिड या टूनिकेट्स होंगे, उनका जो डेवलपमेंट होता है या उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है, तो वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है डिटर्मिनेशन के अंदर, जो स्पेसिफिकेशन होता है, दैट इज़ अबाउट द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, दैट इज़ अबाउट द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। इसके बारे में पढ़ा है हमने ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ड्यूरिंग ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन हमें ये बात पता चलती है कि जो अर्ली एम्ब्रियो के आइसोलेटेड सेल्स होते हैं ना, आइसोलेटेड करने के बाद भी जो अपना फेट भूलते नहीं है, ठीक है, मतलब जिस जो फेट उनका मतलब डिटरमाइन होता है उसमें भी वो कन्वर्ट होते हैं आफ्टर द आइसोलेशन। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में अगर देखा जाए, तो वहाँ पे उसके अंदर तो या जायगोट के अंदर कहीं या एक सेल के अंदर कहीं या कौन होते हैं वहाँ पे, कुछ मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट होता है। सो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स आर नथिंग बट द मैसेंजर आरएनए, कौन हो सकते हैं, मैसेंजर आरएनए या सम स्पेशलाइज प्रोटीन्स हो सकते हैं, जो क्या करते हैं कि उस फेट को चेंज नहीं होने देता है। मतलब क्या है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल को आइसोलेट करने के बावजूद भी वो अपना फेट भूलते नहीं है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होना था पहले बिफोर द आइसोलेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स, वही स्ट्रक्चर वो क्या होता है वहाँ पे फॉर्म होता है। तो इसी हम स्पेसिफिकेशन को क्या कहते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हमें पता है कि किस टाइप का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट द मोजाइक डेवलपमेंट, दैट इज अबाउट द
मोजाइक डेवलपमेंट, मोजाइक डेवलपमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि मोजाइक डेवलपमेंट इज एन इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, क्योंकि जो सेल्स अर्ली एम्ब्रियो के निकल जाते हैं उनका जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर रिगेन करना चाहिए, बाकी के जो सेल्स रिमेनिंग सेल्स है वो करती नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे जो डेवलपमेंट हमें दिखाई देती है दैट इज अबाउट द मोजाइक डेवलपमेंट। एंड स्पेसिफिकेशन किस टाइप का होता है, वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का जो रीज़न हम बता रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, कौन प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, सेल के बीच में कॉन्टैक्ट होता नहीं या सेल के बिटवीन मतलब जो इंटरेक्शन होते हैं ना सेल टू सेल इंटरेक्शन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो वैसे वहां पे दिखाई नहीं देते। सो ये हो गया बात किसके बारे में, मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स के बारे में। सो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट, तो आपको बोलना है कि दिस मे बी द एमआरएनए और सम काइंड ऑफ द प्रोटीन्स, और जो कहां पे पाए जाएंगे हमें ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन और जहाँ पे मोजाइक डेवलपमेंट होती है। और जो ऑर्गेनिज्म अगर पूछे जाते हैं सम इनवर्टिब्रेट लाइक द मोलस्क होंगे, एनिलिड होंगे या टूनिकेट्स होंगे, उनके अंदर इस टाइप का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज मॉर्फोजन, मॉर्फोजन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मॉर्फोजन इज एनी काइंड ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉर्फोजन कौन हो सकता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो एक सेल से सिक्रेट होता है और दूसरी सेल के ऊपर जाके क्या करेगा, अपना इफेक्ट इंड्यूस कराएगा। सिक्रेटेड फ्रॉम वन सेल, सिक्रेटेड फ्रॉम वन सेल, ये क्या होता है, एक सेल से सिक्रेट कर दिया जाता है, एक सेल से सिक्रेट कर जाता है और दूसरे सेल के ऊपर क्या करेगा, ये अपना इफेक्ट जनरेट करेगा। एंड अफेक्ट ऑन अदर सेल, अफेक्ट ऑन अनादर सेल, अफेक्ट ऑन अनादर सेल, सो ऐसे चीज़ को हम क्या कहेंगे, मॉर्फोजन कहेंगे, इसको ही हम क्या कहते हैं, मॉर्फोजन। और ये मॉर्फोजन का जो सिग्नलिंग होता है ना, ये कब हमें देखने को मिलता है, किस टाइप के स्पेसिफिकेशन में इस टाइप का मॉर्फोजन का सिग्नलिंग हमको देखने को मिलता है, दैट इज इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कहाँ पे देखने को मिलेगा ये हमें, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलता है। स्पेसिफिकेशन कहाँ पे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे ग्रोथ किस टाइप का होता है, जहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलता है रेगुलेटेड ग्रोथ होता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में जो ग्रोथ पाया जाता है दैट इज अबाउट द रेगुलेटेड ग्रोथ, वहाँ पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है दैट इज अबाउट द रेगुलेटेड ग्रोथ होता है। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है दैट इज अबाउट द रेगुलेटेड ग्रोथ, कहाँ पे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहाँ पे देखने को मिलते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में, वर्टिब्रेट के अंदर। वर्टिब्रेट के अंदर जो ग्रोथ या हमें या डेवलपमेंट का मोड जो दिखाई देता है हमें दैट इज अबाउट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके और यहाँ पे होता क्या है कि इसमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में जो डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस बहुत साफ है। मतलब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक के जो कुछ सेल्स हैं, अगर हम उसको वहाँ से डिटैच करेंगे या आइसोलेट करेंगे, तो उसके बाद उनका जो फंक्शन है, मतलब वो जो सेल्स चली गई है उनका जो फंक्शन था वहाँ पे, वो कौन कंप्लीट कराता है, रिमेनिंग सेल्स उनको कंप्लीट कराते हैं, उसका जो भी स्ट्रक्चर या ठीक है जो फंक्शन है कंप्लीट करना है, वो रिमेनिंग सेल का मतलब काम होता है कि वो फंक्शन को कंप्लीट कराए। बट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में ऐसे होता नहीं, जो सेल चली गई है उसका फंक्शन वे नहीं करेंगे, तो उसका फंक्शन क्या होगा, जो सेल्स आइसोलेट कर दिए वहाँ से उसका फंक्शन तो बाकी रहेगा वहाँ पे, तो डेवलपमेंट कौन से टाइप का होगा वहाँ पे, वहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है तो मोजेक डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में दैट इज अबाउट द रेगुलेटेड ग्रोथ हमें देखने को है। क्योंकि रिमेनिंग जो सेल्स होते हैं ना एम्ब्रियो के, रिमेनिंग सेल्स जो सेल्स आइसोलेट हो गई है निकल गई है वहाँ से, उनका काम भी ये कंप्लीट कराते हैं, ये बात हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन नाम है, किसके बारे में बात किया, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट एंड मॉर्फोजन के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा। मतलब क्या है कि ए सेल, मतलब एक सेल जो अपना एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक सेल रिलीज कर रही थी और जो दूसरी सेल थी वो सिग्नलिंग को क्या कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे, तो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ही हम क्या कर रहे हैं, मॉर्फोजन कह रहे थे। इस सिग्नल मॉलिक्यूल को ही क्या कर रहे थे हम, मॉर्फोजन। मतलब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, सेल टू सेल सिग्नलिंग होती है, सेल टू सेल सिग्नलिंग हमें देखने को मिलती है, सेल टू सेल
सिग्नलिंग। और सेल टू सेल सिग्नलिंग जहाँ पे देखने को मिलती है वहाँ पे ही टोटल पोटेंशियल प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। वहाँ पे ही कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, टोटल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। मगर एक भी सेल ऑर्गेनिज्म का बचा हुआ ना तो पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म अगर करता है तो उस सेल की कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं, हम टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी कहते हैं। और ऐसे कैपेसिटी हमें कहाँ पे देखने को नहीं मिलते, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी नहीं होता है, देर विल बी नो टोटल पोटेंशियल। ये बात याद रखना दोस्तों, देर विल बी नो टोटल पोटेंशियल, देर विल बी नो टोटल पोटेंशियल कहाँ पे, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में टोटल पोटेंशियल देखना। अगर टोटल पोटेंशियल ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में होती तो क्या वहाँ पे मोजैक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। सो हमें एक बात पता है कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं उनके सेल के अंदर टोटल पोटेंशियल वैल्यू नहीं होता है, मतलब उनके एम्ब्रियो के अंदर। बट यहाँ पे अगर हम प्लांट के बारे में बात करते हैं या एनिमल के अर्ली एम्ब्रियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, टोटल पोटेंशियल वैल्यू देखने को मिलता है। सो टोटल पोटेंशियल वैल्यू कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे रेगुलेटेड ग्रोथ होती है। ये बात याद रखिए, जहाँ पे रेगुलेटेड ग्रोथ होती है वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और जहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है या मोज़ेक डेवलपमेंट होती है वहाँ पे आपको टोटल पोटेंशियल वैल्यू मतलब कैपेसिटी सेल के अंदर या उनके टिश्यू के अंदर दिखाई नहीं देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा बाकी था आज का, दैट इज अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल हुज पोजिशन एंड फेट आर स्पेसिफाइड। दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हुज पोजिशन and fate is determined by same type of boundary yani ki fate, same fate of boundaries। तो इसको चलो समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। That is about the morphogenetic field। मान लीजिएगा कि हमारे पास कोई एक एम्ब्रियोनिक एरिया है, मतलब क्या है कि अभी हमारे पास एक ग्रोइंग एम्ब्रियो है और एक ग्रोइंग एम्ब्रियो का मान लो कि कोई रीजन है, मान लो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो का एक कोई रीजन है, इस रीजन को अगर हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। और ये मॉर्फोजेनेटिक फील्ड अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग सा होता है। मान लो कि ये मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है ब्रेन के लिए, ब्रेन का मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ के पूरे के पूरे जो भी सेल्स हो गए, तो क्या बनाएंगे ये, ठीक है, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड के अंदर जो भी सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, इसी फेट को डिटरमाइन करेंगे। मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्रेन का ही डेवलपमेंट होगा, किसका डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सो दैट इज अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। अगर मान लो कि यहाँ पे लिम्ब मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है, यहाँ पे कौन सा मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है, लिम्ब, मतलब हमारे हाथ और पैर बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका मॉर्फोजेनेटिक फील्ड मान लीजिएगा कि यहाँ पे है। तो यहाँ के पूरे जो सेल्स होते हैं ना, इस रीजन में जो भी सेल्स आएंगे आपको देखने को, पूरे के पूरे सेल्स किस ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए काम करेंगे, लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए ये काम करेंगे। सही बात है। तो इसी एरिया को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड कहेंगे इसको ही, हम क्या करेंगे, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। बिकॉज मॉर्फोजेनेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स हुज पोजीशन एंड फेट इज ऑलरेडी डिटरमाइंड, उनका पोजीशन एंड फेट ऑलरेडी क्या होता है, डिटरमाइंड होता है बाय द सेम टाइप ऑफ बाउंड्री। मतलब यहाँ पे जो जितने भी सेल्स आएंगे इस पर्टिकुलर एरिया में वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्या करेंगे, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड का काम करेंगे और उसे ऑर्गन को वहाँ पे डेवलप करेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर या अर्ली डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से मॉर्फोजेनेटिक फील्ड होते हैं, जैसे कि हमने अगर देखा जाए हार्ट मॉर्फोजेनेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है, जैसे कि लिम्ब का मॉर्फोजेनेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है, या मान लीजिएगा कि हमने ब्रेन का भी यहाँ पे बोल दिया था, ब्रेन का मॉर्फोजेनेटिक फील्ड भी वहाँ पे होता है। और बहुत सारे मतलब जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना अर्ली एम्ब्रियो के अंदर, जब ऑर्गेनोजेनेसिस उस रीजन में होने शुरू होता है तो वहाँ पे कुछ फील्ड वहाँ पे डिटरमाइन कर दिया जाती है, या कुछ एरिया भी मान लो, फील्ड को ही क्या मान लो आप, कुछ एरिया
उस एरिया में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उस एरिया में कुछ क्या होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, वो पर्टिकुलर फैट को डिटरमाइन कराएंगे वहाँ पे, उनकी पोजीशन, उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्गन के लिए फॉर्मेशन के लिए काम करेंगे। सो दैट इज अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। तो देखिए दोस्तों, आज हमने तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिए लेक्चर के इनिशियल में। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा मॉर्फोजन, और तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। तीनों देखने में तो सिमिलर देखते हैं, बट बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट बिलोंग करता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से, तो मॉर्फोजन्स कहाँ से मतलब रिलेट करता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ये बिलोंग कर गया रेगुलेटेड ग्रोथ के लिए, मतलब ये काम कर रहा है। सो मॉर्फोजन मिल में एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉर्फोजन का केमिकल नेचर देखा जाए तो वो एक प्रोटीन भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ प्रोटीन भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, उसमें भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं उसको प्रोटीन कंसिडर करें। ये कौन हो सकता है, एक प्रोटीन हो सकता है जो क्या कर रहा है, सेल सिग्नलिंग में काम कर रहा है। एक सेल उसको रिलीज कर रही है तो दूसरी सेल उसको रिस्पॉन्स कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का ग्रोथ होगा, और उसको ही हम क्या कह रहे हैं, मॉर्फोजन कह रहे हैं, उसको ही क्या कह रहे हैं हम, मॉर्फोजन। तो उसका एग्जाम्पल हम रेगुलेटेड ग्रोथ इन केस ऑफ वर्टेब्रेट में हम उसको समझ सकते हैं, या पिछले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा समझाने का कोशिश भी किया। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। और मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में क्या कहा था हमने, कि वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, वो उस पर्टिकुलर डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और जिसका फेट क्या होगा ऑलरेडी डिटरमाइन होगा, मतलब लिम मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में क्या डेवलप होगा, सिर्फ लिम के ऑर्गन ही डेवलप होंगे, ब्रेन के मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में क्या डेवलप होगा, वहाँ पे सिर्फ ब्रेन के ही पार्ट बनेंगे, वहाँ पे हार्ट के मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों एक कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन। कमिटमेंट के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट को बोल दिया था, वहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और जो कमिटमेंट होता है ना, दो एक हम मानते हैं कि वो एक इरिवर्सिबल कॉन्सेप्ट होता है। नाउ वी आर डीलिंग विद कमिटमेंट नहीं, डिटर्मिनेशन, दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन के बारे में, तो आज का हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन। सो सेल का डिटर्मिनेशन होना मतलब क्या है, कि सेल ने हम डिसाइड कर दिया है कि जो हम आगे जाने वाले अब लौट के नहीं आएंगे, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। ये कौन सा प्रोसेस माना जाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। मतलब सेल ने अगर एक बार मतलब यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया कि हमें फ्यूचर में इस ऑर्गन का ही डेवलपमेंट करना है, तो वही ऑर्गन का वहाँ पे क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होगा। अगर उसको दूसरे टाइप के अगर सिग्नलिंग या सिग्नलिंग क्यूज हम देते थे, तभी जाके वो अपना फिट नहीं चेंज कर पाते। देर विल बी नो चेंज इन फेट ऑफ सेल्स। सेल के फेट में कोई भविष्य में कोई चेंज नहीं आएगा वहाँ पे। तो मतलब क्या है कि ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। जब इरिवर्सिबल फिनोमिनन होता है वहाँ पे, तो उसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेशन। कमिटमेंट अगर इरिवर्सिबल हो रही है तो दैट इज नोन एज कमिटमेंट। जब इरिवर्सिबल होती है तो दैट इज नोन एज अ डिटर्मिनेशन। सो कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन इज अ टाइप ऑफ कमिटमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल हो सकती है। अगर कमिटमेंट रिवर्सिबल होती है तो उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिकेशन कहेंगे। कमिटमेंट अगर, देखिए दोस्तों हम क्या करें, कमिटमेंट अगर क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल। कमिटमेंट कर दिया है बट थोड़ी देर के बाद वो क्या हो रहा है कि कमिटमेंट को भूल ही जा रहा है, तो ऐसे ही कमिटमेंट को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिकेशन। बट कमिटमेंट करने के बाद अगर इरिवर्सिबल वो काम कर रहा है तो उसको ही क्या कहेंगे हम, डिटर्मिनेशन कहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे हम, डिटर्मिनेशन कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम डिटर्मिनेशन को इरिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं, तो क्या प्लांट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को मतलब कंप्लीट देखने को मिलता है हमें, नहीं। देखिए अब क्या हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ एनिमल एंड डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ प्लांट। एक्चुअली डिटर्मिनेशन तो हमें पता है कि एक जेनेटिक प्रोसेस है, वहाँ पे डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होने की वजह से ही क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है। सो डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू द, पहले कारण जान लीजिएगा इसका कि डिटर्मिनेशन क्यों होता है।
डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। इसको ही हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेशन कहेंगे। मतलब डिटर्मिनेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन से कारण हो रहा है। मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर, ए सेल के अंदर एंड बी सेल के अंदर जीनोम इक्वल होने के बावजूद भी जीन का जो एक्सप्रेशन है, अलग अलग से नंबर ऑफ जीन्स वहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। दैट इज नोन एज अ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। और डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन ही नॉर्मल डेवलपमेंट को कैरी करा सकता है, ये बात आपको याद रखना है। क्योंकि हमने बोल दिया था वहाँ पे कि ठीक है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन एंड अपोप्टोसिस, ये दो तीन चीज़ें ऐसी होती है जो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए काम आती है। सो नाउ आप डिटर्मिनेशन बात करेंगे, डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर, डिटर्मिनेशन प्लांट्स के अंदर, और डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स के अंदर, डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्लांट के अंदर डिटर्मिनेशन हमेशा ही इरिवर्सिबल होता है, ऐसे नहीं है। मतलब अभी तक तो हमने कहा था कि डिटर्मिनेशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट डिटर्मिनेशन जब हम प्लांट के अंदर देखते ना, तो मे बी वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। शायद आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा वहाँ पे, दैट इज अबाउट द डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन। अगर एक बार डिफरेंशिएशन हो जाए तो वहाँ पे डिवीजन के बाद उसी टाइप के सेल बनेंगे, दूसरे टाइप के सेल्स वहाँ पे बनते ही नहीं है। बट इन केस ऑफ प्लांट हमें एक चीज़ पता है कि दैट इज अबाउट द डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन एंड दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज अबाउट द री डिफरेंशिएशन। इन सब कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ठीक है धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। प्लांट के अंदर डिटर्मिनेशन हमेशा इरिवर्सिबल हो ये कोई जरूरी नहीं है। वहाँ पे कुछ कंडीशंस में हमें डिटर्मिनेशन भी कैसे देखता है, रिवर्सिबल होते हुए भी दिखाई देता है। सो आप इस बात को यह मतलब नोट कर सकते हो, इन केस ऑफ प्लांट क्या हो सकता है, डिटर्मिनेशन विल बी रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए वहां पे, प्लांट के अंदर अगर इरिवर्सिबल डिटर्मिनेशन होता है ना तो कहां पे होगा, वो डेड सेल्स के अंदर हमें दिखाई मिलता है। डेड टिश्यू होंगे जो प्लांट के, जो डेड टिश्यू होते हैं, जैसे कि जाइलम के अंदर जाइलम फाइबर या फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर हमें जो देखने को मिलते हैं, जाइलम फाइबर, या आप मान लीजिएगा फ्लोएम फाइबर्स, इनके अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है वो कैसे होता है, इरिवर्सिबल होता है। और बाकी के जो प्लांट के पार्ट होते हैं ना, जैसे कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम, या मान लीजिएगा जो लिविंग पार्ट होते ना, या शूट अपाइकल मेरिस्टेम अगर आप मानते हो तो इस मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी कैसा होता है, रिवर्सिबल देखने को मिलेगा आपको। पर उस डिटर्मिनेशन को रिवर्सिबल होने के लिए आपको कुछ सिग्नल्स देने की जरूरत होती है, कुछ टाइप के स्पेसिफिक सिग्नल्स देने होते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर हम एक कॉन्सेप्ट मानते हैं, आपने शायद सुना होगा प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर, पहले तो एक गोस्ट हम मतलब एक बात हम समझने की कोशिश करते हैं नॉर्मल प्लांट के अंदर। मान लो कि नॉर्मल प्लांट का ये कौन है, जायगोट है। नॉर्मल प्लांट का ये कौन है, जायगोट है। और वहाँ पे डेवलपमेंट के स्टेजेस कंप्लीट होते हुए जायगोट के बाद हमें पता है कि टू सेल कंडीशन आएगा वहाँ पे, एक अपाइकल सेल एंड एक बेसल सेल। उसके बाद अपाइकल सेल का डिविजन होते रहेगा और वहाँ पे ऑक्टेंट स्टेज आएगा, ग्लोबुलर स्टेज आएगा, रेगुलर स्टेज आएगा, या उसके बाद हार्ट स्टेज आएगा, उसके बाद टॉर्पिडो स्टेज आएगा, और फाइनली हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है, सीड का जर्मिनेट होते हुए एक छोटा सा प्लांट का पार्ट हमें फॉर्म होते दिखाई देता है।
जब प्लांट के सेल का अब अडल्ट कंडीशन में जब प्लांट के सेल का जब क्या होता है डिवीजन होता है, क्या होगा वहाँ पे डिवीजन होगा, तो धीरे 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 हमें क्या देखने को मिलता है कि सेल्स डिफरेंशिएट होने शुरुआत होती है। मतलब क्या है कि मान लो कि एक कोई ए टाइप का सेल है, उसके बाद वहाँ पे एक दो अलग टाइप के सेल्स वहाँ पे बन गए, एक सेल का डिवीजन होकर वहाँ पे बी एंड सी टाइप का सेल्स वहाँ पे फॉर्म हो चुका है। मान लो कि बी टाइप के जो सेल्स है ना वहाँ पे ये शूट के डेवलपमेंट के लिए काम करे, और मान लीजिएगा कि ये जो सेल्स है सी टाइप के सेल है वहाँ पे रूट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अब रूट के ऊपर तो शूट नहीं आएगा, या शूट के ऊपर तो ऊपर से रूट तो नहीं आएगा ना, तो वहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। सो अगर एक ही सेल से दो अलग अलग स्ट्रक्चर या फंक्शन करने वाले सेल्स अगर प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द डिवीजन, दैट इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन कहेंगे। अब जो सेल्स डिफरेंशिएट हो गई है यानी कि स्पेसिफिक हो गई है, डिफरेंशिएट हो गई है इसका मतलब क्या है कि वो सेल स्पेसिफिक हो गई है, मतलब वहाँ पे उसके बाद जितना भी डिवीजन होगा तो उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही फॉर्म करेगा। अगर शूट के सेल्स डिवाइड होते हो जितना भी डिवाइड होने दो उनके मर्जी, तो वहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट आगे जो भी आएगा तो शूट का ही आएगा। अगर रूट के सेल्स डिवाइड होते हैं तो रूट का ही डेवलपमेंट होगा ना वहाँ पे, जितना मर्जी सेल डिवीजन हो रहा है रूट का वहाँ पे उतना ही क्या बना रहेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा ग्रोथ किसका होते रहेगा, रूट का ही ग्रोथ होती हुई दिखाई देगा हमें। सही बात ही है। ओके तो इसके बाद हम बात करेंगे किसके मतलब, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, वहीं पे क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन। अगर अब हमें डिफरेंशिएशन के बाद डी डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट को समझना है, किस कॉन्सेप्ट को समझना है, डी डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग से समझने की कोशिश करनी होगी। जैसे कि मान लो कि अब बात आएगी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, अब बात कहाँ पे आ रही है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये कोई प्लांट का पार्ट है, और इस प्लांट के ये मान लो कि लीव्स है, और यहाँ पे उसके वो रूट वाला पोर्शन है जमीन के अंदर, और वहाँ पे एक कुट ठीक है एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्लांट का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से कुछ सेल्स को हम आइसोलेट करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हमें पता है अगर मान लो कि हमने कुछ लीफ प्राइमोर्डियल मतलब इस लीफ के जो अपाइकल एंड में वहाँ से अपाइकल शूट अपाइकल मेरिस्टेम को हमने क्या कर लिया आइसोलेट कर दिया, लीफ सेल्स को हमने क्या किया वहाँ पे लीफ में मेरिस्टेम जो भी सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स उनको क्या कर लिया आइसोलेट कर लिया। आइसोलेशन करने के बाद हम उसे क्या करेंगे ग्रोथ मीडियम के अंदर रख देते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे ग्रोथ मीडियम के अंदर रख देते हैं। सो ग्रोथ मीडियम में रखने के बाद हमें एक बात पता चल देखिए वहाँ पे क्या फॉर्म होने लगता है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास फॉर्म होने लगता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास का फॉर्मेशन होना वहाँ पे शुरू हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे कैलस कहते हैं। अनऑर्गेनाइज अनडिफरेंशिएटेड सेल मास को ही हम क्या कहते हैं कैलस कहेंगे। मतलब अब देखिए कैलस को हम जितना मर्जी मान लिए कि ग्रो करेंगे वहाँ पे, एक सेल से हमने क्या किया था एक सिंगल सेल लिया था, और यहाँ पे अब देख लीजिएगा कि हमारे पास कितने सेल्स हैं, लाखों की संख्या में हमने अगर मानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेल्स बने गए, जितने भी सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं तो वो पूरे के पूरे सेल्स कैसे हो गए अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, वो पूरे के पूरे सेल्स कैसे हो गए अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज सेल्स होंगे। तो यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन कैसे हो गया फिर देखिए, तो यही ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था हमारे पास किसका स्ट्रक्चर था कैलस का स्ट्रक्चर था, और ये जो सेल्स थी ये हमारी जो एक सिंगल सेल ये कहाँ से हमने आइसोलेट कर दिया था लीफ का प्लांट के लीफ का सेल्स आइसोलेट कर दिया था हमने। जब लीफ बन गया था तो ओरिजिनली प्लांट की सेल कैसे थे डिफरेंशिएट हो चुकी थी, लीफ बन गया इसका मतलब क्या है प्लांट का सेल डिफरेंशिएट हो चुका था। अब लीफ सेल्स को हमने क्या कर दिया ग्रोथ मीडियम के अंदर रखने के बाद वहाँ पे किसका डेवलपमेंट किया हमने कैलस का। अब कैलस को आप क्या लीफ कह सकते हो दोस्तों, क्या कैलस लीफ हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि कैलस लीफ का स्ट्रक्चर मतलब कैलस तो एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स होगा ना, लीफ थोड़ी ना होगा। मतलब क्या है कि डिफरेंशिएटेड पार्ट से अगर हम अनडिफरेंशिएटेड पार्ट को हम अगर बनाते हैं तो दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने जो पार्ट लिया था ये पार्ट किसका था
यार आप देख सकते हो ना डायग्राम में ये पार्ट किसका था, मान ए प्लांट लीफ का पार्ट, जो एक यंग लीफ था यहाँ पे, यंग लीफ का हमने पार्ट लिया था, यानी कि शूट अपिकल मेरिस्टेम से हमने उस पार्ट को आइसोलेट किया था। और यहाँ पे ग्रोथ मीडियम में रखने के बाद क्या ये पार्ट जिसे हम शूट अपिकल मेरिस्टेम अब कह सकते, नहीं, ये पार्ट तो कैसा हो गया, अनडिफ्रेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल दैट इज नोन एज कैलस। मतलब यहाँ पे जो सेल थी कैपेसिटी थी, यहाँ पे सेल्स ने अपनी कैपेसिटी को क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कैपेसिटी को लॉस कर दिया। अगर सेल अपनी मतलब डिफ्रेंशिएशन कैपेसिटी को अगर लॉस करती है तो द कॉन्सेप्ट इज नोन एज डी डिफ्रेंशिएशन, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डी डिफ्रेंशिएशन। यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज नोन एज अ डी डिफ्रेंशिएशन। ओके दोस्तों, आगे जाके हम बात करेंगे कि रीडिफ्रेंशिएशन क्या हो सकता है। अब जाके हम बात करेंगे रीडिफ्रेंशिएशन के बारे में, कौन सा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, रीडिफ्रेंशिएशन। अब रीडिफ्रेंशिएशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कैलस था, कैलस कौन सा पार्ट था, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स था, कैलस कौन सा पार्ट था, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल था हमारे पास, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल था, सही बात है, मास ऑफ सेल्स था। अगर इसको पर्टिकुलर देखिए, अगर इसको हम पर्टिकुलर ग्रोथ रेगुलेटर्स का सप्लीमेंट अगर दे देते तो वहाँ पे क्या होगा, मान लो कि अगर इसको हम ग्रोथ मीडियम में ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन देंगे तो क्या होगा, मान लो कि हमने हाई ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया और मान लो कि यहाँ पे थोड़ा सा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन का दे दिया तो क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होगा, तो कैलस से क्या बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों, सो कैलस से वहाँ पे रूट का इंडक्शन होना शुरू हो जाएगा, रूट का इंडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब दो बातें आपको याद रखनी है, कैलस कैसा था हमारे पास, अनडिफ्रेंशिएटेड था, बट रूट क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होती है, रूट कैसे पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, रूट के जो भी सेल्स होते हैं, जो ऑर्गन होता है ना रूट, वो डिफरेंशिएटेड होता है। मतलब क्या है कि अनडिफरेंशिएटेड पार्ट को फिर से डिफरेंशिएशन में अगर आप लेके जाते हो तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर से लेके जा रहे हो, हाँ फिर से लेके जा रहे हो, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ रीडिफरेंशिएशन, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ रीडिफरेंशिएशन। बहुत आसान है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर था, कैलस का स्ट्रक्चर था, कैलस क्या था इस बात को समझना हमें, अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या कि वहां पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है, कैसे भी सेल एक दूसरे के ऊपर, मतलब जैसे कि कैंसर के अंदर होता है ना वैसे वहां पे सेल ग्रो होने शुरू होते, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं वहां पे, जिसको हम क्या करें, अनऑर्गेनाइज। और सेल कैसे है वहां पे, सेल का कैपेसिटी क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में सेल है। अगर अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस से अगर आप रूट का इंडक्शन करते हो तो हमें तो रूट पता है, प्लांट के जो कि रूट होते हैं या शूट होता है या प्लांट का लीफ होता है, फ्लावर होता है या फ्रूट होता है, जो भी ऑर्गन होता है ना वो तो डिफरेंशिएटेड होते हैं, वो कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। अगर हम अनडिफरेंशिएटेड पार्ट से फिर हम अगर डिफरेंशिएटेड पार्ट को हम बना रहे हैं वहां पे, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रीडिफ्रेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रीडिफ्रेंशिएशन। अगर कैलस से हमें रूट का इंडक्शन करना है तो हमें क्या देना होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देना होगा एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या देना होगा, साइटोकाइनिन। अगर इसके अपोजिट करते हैं हम, मान लो कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम हाई ले रहे थे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, लो कर देंगे, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो ले रहे थे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब साइटोकाइनिन का हायर कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे और ऑक्सीजन का लो कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कैलस से कौन आएगा, हम कैलस से कौन बनना शुरू हो जाएगा, शूट का फॉर्मेशन होना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। अगर कैलस से शूट का फॉर्मेशन हो रहा है और हमें पता है कि शूट के जो सेल्स होते हैं वो कैसे थे, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होते हैं, वो कौन से फॉर्म होते हैं, डिफरेंशिएट, और कैलस कौन से फॉर्म में होगा, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म से फिर से अगर हम डिफरेंशिएशन बना रहे हैं सो दैट इज नोन एज अ रीडिफरेंशिएशन, दैट इज नोन एज रीडिफरेंश। और डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएटेड पार्ट को हम अगर अनडिफरेंशिएटेड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डी एंड रीडिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा दोस्तों, अगर हम कैलस को
अगर मान लो कि कैलस को ग्रोथ मीडियम में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं हम ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, तीसरी कंडीशन, ये थी पहली कंडीशन, ये था सेकंड कंडीशन। अगर तीसरे कंडीशन में अगर हम इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में या इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन अगर दे देते तो क्या होगा, वहां पे कैलस रिमेन अनडिफरेंशिएटेड रहेगा, कैलस का डिफरेंशिएशन होगा नहीं वहां पे, क्योंकि कैलस, कैलस को अगर डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे अनइक्वल अमाउंट आपको देना होगा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का। ठीक है, जब कैलस से शूट का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोलोजेनेसिस प्रोसेस कहेंगे, कोलोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। और कैलस से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है, कैलस से अगर किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का, सो सच प्रोसेस इज नोन एज अ राइजोजेनेसिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, राइजोजेनेसिस प्रोसेस का। सो राइजोजेनेसिस एंड कोलोजेनेसिस दो अलग अलग प्रोसेस है। सो राइजोजेनेसिस के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो साइटो कोलोजेनेसिस के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन की जरूरत होती है दोस्तों, साइटोकाइनिन की जरूरत होती है, तो इस बात को याद रखना। तो आप समझ गए यहाँ पे री डिफ्रेंशिएशन एंड डी डिफ्रेंशिएशन एज वेल एज डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है। अगर पहला सेल अपने डिवीजन के बाद अलग अलग सेल्स या स्पेसिफिक सेल को अगर फॉर्म करता है तो दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। अगर स्पेसिफिक सेल अपना स्पेसिफिसिटी लॉस करता है और अनस्पेसिफाइड फॉर्म में आता है, जैसे कि यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन हो रहा था, दैट इज नोन एज द डी डिफरेंशिएशन। पर जो सेल स्पेसिफिक से अनस्पेसिफिक हो चुकी थी, फिर से अगर स्पेसिफिक हो रही है वही सेल, तो उसको क्या कहेंगे हम, री डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है। तो प्लांट के अंदर अगर डिटर्मिनेशन होता है तो प्लांट के अंदर का डिटर्मिनेशन कैसे जा रहा है, रिवर्स पोजीशन में भी जा सकता है ना, मतलब प्लांट के अंदर जो डिफरेंशिएट हो गया था तो वो सेल फिर से क्या हो रहा था, मतलब लीफ के सेल्स अगर कैलस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, लीफ के सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल फिर से अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रोसेस तो रिवर्स हो गया ना, क्योंकि लीफ का फॉर्मेशन कहां से हुआ था, अनडिफरेंशिएटेड सेल से हुआ था ना, मतलब क्या है, देखिए अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इन प्लांट क्या फॉर्म करेंगे, लीफ का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर लीफ क्या हो रहा है, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस रिवर्स कंडीशन में जा रहा है ना, प्रोसेस क्या हो रहा है वहां पे, रिवर्स कंडीशन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर डिटर्मिनेशन क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। प्लांट के अंदर डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लांट के बाद डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ एनिमल, प्लांट के बाद डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ एनिमल, इसके बारे में हम क्या सोचेंगे, अभी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। प्लांट के अंदर डिटर्मिनेशन कई कंडीशन में, देखिए कई कंडीशन में रिवर्सिबल हो सकता है या इरिवर्सिबल भी हो सकता है। जैसे कि हम कुछ सेल्स के बारे में अगर पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कि न्यूरॉन सेल्स है, हमारे कौन से सेल है, न्यूरॉन सेल्स, एनिमल्स के अंदर हम न्यूरॉन सेल्स के बारे में बात करेंगे, या मान लो कि हमारे पास आरबीसीज है, मैच्योर आरबीसीज, या मान लो कि हमारे पास कि स्केलेटल मसल्स के सेल है, कौन से सेल है, स्केलेटल मसल्स के सेल है, और इनका कंपेरिजन हम किसके साथ करेंगे, इनका सबका कंपेरिजन हम करेंगे एनिमल्स के अंदर, इसका कंपैरिजन करेंगे हम अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल के साथ, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। देखिए दोस्तों, एनिमल्स के अंदर अगर एक बार डिटर्मिनेशन हो जाए तो वो क्या मानते हैं हम, इरिवर्सिबल मानते हैं, बट एनिमल के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है ना, मतलब वहां पर सेल डिटरमाइन होती ही नहीं है, तो एनिमल के अंदर दिस सेल्स कैन शो द इरिवर्सिबल डिटर्मिनेशन, क्योंकि न्यूरॉन सेल अगर एक बार फॉर्म हो जाए तो फिर से वो डिवीजन में जाते नहीं है, अगर वो डिवीजन में जाते नहीं है इसका मतलब क्या है कि दीज आर द टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ये तीनों भी सेल्स कैसे, किस टाइप के सेल्स होते हैं, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो आपको मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा, जब तक न्यूक्लियस के अंदर एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता नहीं तब तक सेल तो डिवाइड होता नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आरबीसी, ठीक है,
एक तो डिवाइड होता नहीं है क्योंकि उसे हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। मान लो कि हमारे पास अगर कंपैरिजन में हम और एक सेल्स देखते हैं, स्किन के सेल, अगर हमारे पास जो स्किन के सेल्स होते हैं, स्किन के सेल अगर डिवाइड होते हैं, डिवाइड, तो स्किन के सेल डिवाइड होने के बाद किस टाइप के सेल्स बनाएंगे? डिविजन के बाद स्किन का ही सेल बनाएंगे वहां पे। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, या डिटर्मिनेशन क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। स्किन के सेल बाकी दूसरे सेल्स को नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सेल्स, दिस सेल्स इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली क्या हो गया, डिटरमाइंड हो चुके हैं। दिस सेल्स आर इरिवर्सिबली डिटरमाइंड हो चुके हैं। जो सेल्स इरिवर्सिबल डिटरमाइंड होते ना, उनको आप कितने भी कोशिश कीजिए फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए, मतलब प्रिकर्सर सेल बनाने के लिए, वो कभी नहीं बनाएंगे। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एनिमल्स के अंदर, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज के बाद वहाँ पे सेल का इरिवर्सिबल डिटर्मिनेशन हो सकता है। बट प्लांट के अंदर कितना भी ग्रोथ होने जाए, हो जाने दो, मतलब अडल्ट फॉर्म में भी वहाँ पे क्या हो सकता है, डिटर्मिनेशन रिवर्स हो सकता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन आने हमें किस बात के बारे में, मतलब किसके बारे में बात किया था, रीडिफरेंशिएशन के बारे में। ये दो कॉन्सेप्ट को थोड़े से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे से, ओके। नाउ एक टाइप का सेल्स यहाँ पे डिवाइड होने के बाद सेम टाइप का अगर सेल बना रहा है तो वो, उसका मतलब क्या है कि वहां पे डिटर्मिनेशन इरिवर्सिबल हो चुका है। सो डिटर्मिनेशन इरिवर्सिबल हो तो रहा है यहाँ पे, बट अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे डिटर्मिनेशन रिवर्सिबल होता है, या मतलब डिटरमाइंड होती है नहीं होती सेल। तो कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे आगे जाके, इसी लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में, तब हमें पता चलेगा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होते हैं ये डिटरमाइंड होते या नहीं होते, उसके बारे में भी बात करेंगे। शायद आपको जो हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, सेकंड कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद अभी हम बात करेंगे दोस्तों, दैट इज अबाउट द टोटल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। टोटल पोटेंशियल के बारे में बात, दैट इज नोन एज अ टोटी पोटेंशियल, दैट इज नोन एज अ टोटी पोटेंशियल, दैट इज नोन एज टोटी पोटेंशियल। और डिटर्मिनेशन कौन सा प्रोसेस था हमने बताया था, जेनेटिक प्रोसेस था, और डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन ही उसका रीजन होता है, उस बात को याद रखना है। अगर ठीक है नहीं समझते तो पिछला वाला पहला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने डिटर्मिनेशन को थोड़ा समझाने की कोशिश की है अच्छी तरह से। अब बात करेंगे टोटल पोटेंशियल के बारे में, देख लीजिएगा दोस्तों कि टोटल पोटेंशियल या टोटी पोटेंशियल क्या होता है। टोटी पोटेंशियल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का किसी भी सेल के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को रिफॉर्म करा सकता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैविंग कैपेसिटी टू रिफॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, उसी ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने की क्या होती है, उनमें कैपेसिटी होती है, किसके अंदर, इन सेल्स के अंदर, उन्हीं सेल को हम क्या करेंगे, टोटीपोटेंट सेल कहेंगे। ऐसे ही सेल को हम क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल कहेंगे दोस्तों। अगर और ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट ऑर्गेनिज्म। सो टोटीपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंगल सेल अगर उस ऑर्गेनिज्म का हम आइसोलेट करके उसको अगर हम इन्वायरमेंट दे देते हैं ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उस पार्ट से क्या हो सकता है, बन सकता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंशियल। तो उसको समझने के लिए प्लांट के अंदर थोड़ा सा काम करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट का कुछ पार्ट हम आइसोलेट करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। ये हमें पीटीसी लैब में कॉन्सेप्ट अच्छा अच्छा समझ में आता है कि वहाँ पे उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर हम यहाँ से कुछ पार्ट को, प्लांट के कुछ पार्ट को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेटेड पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज एक्स प्लांट। क्या कहेंगे उसे, एक्स प्लांट कहेंगे हम उसे, एक्सप्लांट। जब भी हम आइसोलेट करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि स्टरलाइज करना होता है, उसको क्या करना होता है, स्टरलाइजेशन करना होता है।
स्टरलाइजेशन के लिए अल्कोहल या फॉर्मल डाइड का यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। उसके बाद उसको क्या कर दिया, देखिए पर्टिकुलर चॉप करने के बाद, उसको चॉपिंग चॉपिंग करने के बाद उस पार्ट को, उसके सेल्स को कहाँ पे रख दिया जाता है, ग्रोथ मीडियम के ऊपर रख दिया जाता है। किसके ऊपर रख दिया जाता है, ग्रोथ मीडियम के ऊपर रख दिया जाता है। जैसे कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ मीडियम होता है, प्लांट टिश्यू के अंदर एमएस मीडियम हमें देखने को मिलता है, मूरश अगेन स्कूप मीडियम के ऊपर हम रख दें। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स फॉर्म होना शुरू होगा, दैट इज नोन एज अ कैलस। किसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे, कैलस का। और कैलस को अगर हम हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं, कैलस को अगर हम पर्टिकुलर हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया था आपको ऑक्सिनेन साइटोकाइनिन, किसका ट्रीटमेंट अगर देते हैं हम, ऑक्सिनेन साइटोकाइनिन का अगर हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा कि हम ठीक है उस कैलस से क्या करा सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करा सकते हैं, कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक नया कंप्लीट क्या हो सकता है, प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पे हम करा सकते हैं। यहाँ पे बीच में बहुत सारे प्रोसेस होती है, जैसे कि हार्डनिंग वगैरह प्रोसेस, तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में अब बात नहीं करेंगे, उसको आरडीएनए के बारे में मतलब यूनिट में हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में समझने की कोशिश कीजिए, हार्मोन को मतलब कैलस को हार्मोन का अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे कैलस को हम फिर से सिंगल सिंगल सेल को आइसोलेट करके, फिर से सिंगल सिंगल सेल को आइसोलेट करके उसी सेल से फिर से कैलस और उसे ही फिर से क्या बना सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं। मतलब क्या है कि वहाँ पे एक, मतलब क्या है कि वहाँ पे प्लांट के एक सेल से हम एक कैलस बनाएंगे, उस कैलस को अगर आइसोलेट करके फिर से अलग से मीडियम में उसको अगर रख देते हैं तो फिर से एक कैलस से बहुत सारे कैलस भी बना सकते हैं। जैसे एक प्लांट हम यहाँ पे बना रहते हैं तो वैसे ही यहाँ पे इसे कैलस से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सेम जीनोटिपिकली सेम मल्टीपल प्लांट का क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज अ क्लोनल प्रोपेगेशन, दैट इज नोन एज अ क्लोनल प्रोपेगेशन। क्या कह सकते हैं दोस्तों, हम उसे क्लोनल प्रोपेगेशन, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ क्लोनल प्रोपेगेशन, क्योंकि हम प्लांट के एक जैसे ही प्लांट को हम क्या कर रहे हैं वहां पे कैलस से फॉर्म कर, मतलब कैलस से फॉर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप मिलियंस ऑफ प्लांट फॉर्म कर सकते हो, मतलब क्या है इनफाइनाइट मिलियंस क्यूब, इनफाइनाइट आप प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो इनफाइनाइट। और जो जितने भी प्लांट वहाँ पे फॉर्म हो गए ना, वो जेनेटिकली कैसे हो गए, जेनेटिकली सिमिलर हो गए, जेनेटिकली कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, तो हम उसे क्या कहेंगे, जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, क्लोन्स कहते हैं। जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं, क्लोन कह रहे हैं। ये जेनेटिकली सेम होने का कारण क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिकली सेम होने का कारण क्या होता है, ये सभी डॉटर प्लांट का जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर से बना रहे हैं उनका पेरेंट प्लांट क्या था, सेम था, एक ही पेरेंट प्लांट से हमने उसको क्या कहा है, बनाया है। उसके लिए जो पेरेंटल प्लांट का जीनोटाइप होता है वही जीनोटाइप क्या होता है, इनका होता है, वही जीनोटाइप क्या होता है, इनका होता है, क्योंकि हमने बोल दिया था कि जितने भी यहाँ पे क्लोनल प्लांट थे हमारे पास उनका कॉमन पेरेंटल प्लांट था, कॉमन पेरेंटल प्लांट था, जो कॉमन पेरेंटल प्लांट था वहाँ पे जो जिसका मतलब उसका जो जीनोटाइप था वही जीनोटाइप किसका आएगा वहाँ पे, इन्हीं क्लोन्स का बन सकता है। तो ये क्लोन फॉर्मेशन की बात कहाँ पे हो रही है, प्लांट के अंदर। सो प्लांट के अंदर टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी है, क्या हम इसे क्वेश्चन को एनिमल के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अगर एनिमल के ऊपर हम अप्लाई करने की कोशिश कर दें तो क्या ये वहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है अभी, कैन एनिमल शो द टोटल पोटेंशियल एबिलिटी, क्वेश्चन क्या है हमारा, कैन एनिमल्स हैव टोटल या टोटी पोटेंशियल, सीधे सीधे कहेंगे टोटी पोटेंशियल, हैव टोटी पोटेंशियल, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जवाब में क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, एस, जवाब में आंसर क्या आएगा, एस। तो आप कहोगे कि सर यार ऐसे तो होता नहीं है, देखिए अगर हम बात करते कुछ चीजों के बारे में, यस हम इसलिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखने वाले एक्सपेरिमेंट। देखिए एनिमल के अंदर मान लीजिएगा कि दो टाइप के सेल्स हम आइसोलेट करेंगे, पहले एक हो गया हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल्स, एक हो गया हमारे पास कौन से सेल, एम्ब्रियोनिक सेल्स।
और दूसरे सेल जिसके ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे टोटल पोटेंशियल, जिसके अंदर हम चेक करने वाले दूसरे सेल्स हो गए अडल्ट स्टेम सेल, अडल्ट के स्टेम सेल्स, इन दोनों के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और यहाँ से हमें चीज़ों का पता चलेगा कि यार इन सेल्स के अंदर क्या ये टोटल पोटेंशियल की कैपेसिटी हो सकती है क्या। देखिए अब बात कर दें एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी हमें बात पता चलता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक के अंदर, अर्ली एम्ब्रियो हैविंग कैपेसिटी टू शो द टोटल पोटेंशियल, अर्ली एम्ब्रियो हैविंग कैपेसिटी ऑफ टोटी पोटेंशियल। कैसे नाउ देख लीजिए, यहाँ पे दो साइंटिस्ट जिन्होंने फ्रॉग अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्रिग्स एंड थॉमस किंग। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग। देखिए मान लीजिएगा कि हमारे पास की एक फ्रॉग का अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, मान लीजिएगा क्या है हमारे पास फ्रॉग का अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, बहुत कम सेल्स है, मान लीजिएगा उसमें क्या है कि बहुत लिमिटेड सेल्स है, वेरी फ्यू सेल कंटेनिंग जो पार्ट हम देख रहे थे दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो का मान लो कि यहाँ पे एक एम्ब्रियो का सेल्स उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया एक सिंगल सेल, मान लो कि यहाँ पे कुछ 8 सेल्स है एम्ब्रियो के अंदर, और उसे क्या किया उन्होंने एक सेल को आइसोलेट किया, एक सिंगल सेल को आइसोलेट किया। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंगल सेल को आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिएगा कि सिंगल सेल है एम्ब्रियो का, उसको आइसोलेट किया, इसको आइसोलेट करने के बाद इसका फ्यूजन किया दूसरे सेल के साथ, इसका क्या किया फ्यूजन किया एक दूसरे सेल के साथ, और जो दूसरा सेल था कौन सा सेल था, एग सेल था, उसी फ्रॉग का क्या था फ्रॉग का एग सेल था या ऊ साइट मान लीजिएगा। देखिए ये सेल कौन सा है एम्ब्रियो का सेल है, ये सेल किसका है एम्ब्रियो का, और ये सेल किसका है एग सेल है। अब क्या करना पड़ा उन्हें, अगर इन दोनों का फ्यूजन करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मान लीजिएगा अगर ये सेल एम्ब्रियो का है तो डिप्लॉयड होगा, और फ्रॉग का ये सेल है तो यहाँ पे क्या होगा हैप्लॉयड सेल होगा, अगर दोनों को फ्यूज करते हैं तो क्या होगा एक ट्रिप्लॉयड सेल बनेगा, क्या होगा वहाँ पे ट्रिप्लॉयड सेल, पर ट्रिप्लॉयड सेल का नॉर्मल डेवलपमेंट तो होगा नहीं ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वहाँ पे जीन का मल्टीप्लिकेशन होने से क्या हो सकता है एम्ब्रियो नॉर्मल डेवलप होता ही नहीं है, अगर एम्ब्रियो का अबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो उसका डेथ होगा, तो साइंटिस्ट को इस बात का पता चल गया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है एम्ब्रियो का डेथ अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने दिमाग चलाया और वहाँ पे काम किया, जो एक सेल था यहाँ पे एक सेल का न्यूक्लियस निकाल दिया, न्यूक्लियस को क्या किया रिमूव कर दिया, एक सेल के न्यूक्लियस को क्या किया वहाँ से रिमूव कर दिया, एक सेल का रिमूव न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद जो बचा था हमारे पास ये सेल कौन सा था हमारे पास एम्ब्रियो का सेल था, एम्ब्रियो का डिप्लॉयड सेल, एम्ब्रियो का कौन सा सेल है डिप्लॉयड सेल, और उसके बाद वहाँ पे जो एक था हमारे पास एक को क्या किया हमने एक को इन्यूक्लेटेड बना दिया, एक को क्या किया हमने इन्यूक्लेटेड, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो का सेल कैसा है न्यूक्लिएटेड सेल है और जो सेल हम यहाँ पे ले रहे थे एक का सेल उसको क्या कर दिया हमने, ठीक है ग्लास नीडल से क्या किया उसको पंचर करके उसका न्यूक्लियस क्या कर दिया वहाँ पे निकाल दिया, बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को क्या कर दिया हमने वैसे के वैसे वहाँ पे रख दिया, उसके बाद हम आ गए, मतलब क्या है कि ये जो सेल्स है ई न्यूक्लिएटेड सेल है ई
न्यूक्लिएटेड सेल है। अगर एक ई न्यूक्लिएटेड एक सेल को किसके साथ, एम्ब्रियो के सेल के साथ, एम्ब्रियो के एक के सेल उसको अगर फ्यूज करते हैं तो क्या वहाँ पे फ्यूजन हो सकता है? ओके, मान लीजिएगा कि यहाँ पे जो जायगोट बन रहा है अभी, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जायगोट बन रहा है, तो इस जायगोट के अंदर न्यूक्लियस किसका होगा? न्यूक्लियस किसका होगा? एम्ब्रियोनिक सेल्स का होगा। किसका होगा? एम्ब्रियोनिक सेल का होगा। और साइटोप्लाज्म किसका होगा? साइटोप्लाज्म दोनों का भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म किसका हो सकता है? दोनों का भी, एक सेल का भी हो सकता है और एम्ब्रियोनिक सेल का। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिप्लोइड जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? डिप्लोइड, डिप्लोइड जायगोट फॉर्म हो गया। मतलब यहाँ पे जेनेटिक कॉन्सेप्ट का कोई अभी मतलब खतरा नहीं है। यहाँ पे एम्ब्रियो डेड हो जाए ऐसी कोई बात हमने रखी नहीं है, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियस को क्या कर दिया हमने? न्यूक्लियस को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया था, उसके साथ उसका जेनेटिक मटेरियल भी चला गया। जेनेटिक मटेरियल जाने के बाद उस सेल को हमने क्या किया? इस एम्ब्रियोनिक फ्रॉग सेल के साथ उसको फ्यूज किया। अब यहाँ पे जो जायगोट आएगा, क्या ये जायगोट नॉर्मल टैडपोल को बना पाएगा? नॉर्मल टैडपोल, और जवाब में आ गया हाँ, यहाँ पे नॉर्मल टैडपोल का फॉर्मेशन हो रहा था। और नॉर्मल टैडपोल ने क्या बनाया? अडल्ट फ्रॉग को बनाया, अडल्ट फ्रॉग को बनाया। देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफ एनिमल्स हैविंग द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी, क्या हो रहा है यहाँ पे? हैविंग द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी, उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें? टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी। देखिए जनरली यहाँ पे देखिए, जनरली जायगोट के फॉर्मेशन के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होती है? दो गैमेटिक सेल की जरूरत होती है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। पर यहाँ पे हमने क्या किया? मेल गैमेट को लिया ही नहीं, हैप्लोइड मेल गैमेट को लिया क्या हमने? नहीं। फ्यूजन के लिए हमने किसको यहाँ पे रखा था? एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल को एक गैमेटिक सेल थोड़ी ना होता है, नहीं होता। मतलब एम्ब्रियोनिक सेल, एक एम्ब्रियोनिक सेल और दूसरा गैमेटिक सेल, दूसरा क्या? गैमेटिक सेल। इन दोनों का फ्यूजन करा के हमने क्या किया? नॉर्मल जायगोट, नॉर्मल जायगोट से फ्रॉग का टैडपोल और नॉर्मल टैडपोल से क्या बनाया? फ्रॉग बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स एनिमल के अंदर, जिनके अंदर टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी हो सकती है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। ये हमने प्रूव नहीं किया, ये किसका एक्सपेरिमेंट है? साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्रिक एंड थॉमस किंग। जैसे हम टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे, प्लांट के अंदर तो टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी है, पर क्या ये ऐसी टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी हमको एनिमल के अंदर देखने को मिलती है? तो यही समझने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे? एक्सपेरिमेंट किया। देखिए फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्रिक एंड थॉमस किंग ने, उन्होंने क्या किया? अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे। और फ्रॉग के अंदर मतलब एक्सपेरिमेंट क्या था? अर्ली एम्ब्रियो को मतलब अर्ली एम्ब्रियो जो था यहाँ पे, उसको उसके एक सेल को आइसोलेट किया और उसी सेल को किसके साथ फ्यूज किया? इन न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के इन न्यूक्लिएटेड सेल एक सेल के साथ क्या हो गया? उसको फ्यूज किया। फ्यूजन के बाद क्या हो गया वहाँ पे? फ्यूजन के बाद हमें पता चला कि नॉर्मल जायगोट बना, नॉर्मल जायगोट का डेवलपमेंट भी नॉर्मल था, टैडपोल बना, टैडपोल से क्या बन गया? अडल्ट फ्रॉग भी बन गया। तो यही इसी कौन से मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या हो रहा है? कंक्लूजन क्या हो रहा है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स हैविंग द कैपेसिटी ऑफ टोटल पोटेंशियल। सो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कंक्लूजन अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफ फ्रॉग या एनिमल हैविंग द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स हैव टोटी पोटेंशियल, टोटी पोटेंशियल। क्लियर हो गया दोस्तों? अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास फ्रॉग का कितने सेल का एम्ब्रियो था एक्सपेरिमेंट के दौरान? पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान मतलब ये जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, 8 सेल कंडीशन में था। कितने सेल कंडीशन में था? 8 सेल कंडीशन। अगर इसको हम ग्रो होने देते हैं,
या इसको 64 सेल कंडीशन में हम लेके जाते हैं, कौन से 64 सेल कंडीशन में हम इसको अगर लेके जाते हैं और यहाँ से कोई एक सेल एक्सपेरिमेंट के लिए आइसोलेट करते हैं, कहाँ से 64 तो हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, पर मान लीजिएगा कि यहाँ पे कितना सेल है, मतलब ये हो गया अर्ली एम्ब्रियो और ये हो गया क्या लेट एम्ब्रियो, लेट एम्ब्रियो। जैसे कि हमने अर्ली एम्ब्रियो से सेल आइसोलेट करके फ्यूजन करके नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किया था, तो क्या लेट एम्ब्रियो से भी किसी सेल को आइसोलेट करके, लेट एम्ब्रियो से किसी सेल को आइसोलेट या फ्यूजन करके उसका इन्यूक्लेटेड के सेल सेल के साथ क्या हम फिर से कोई ऑर्गेनिज्म बना पा सकते हैं वहां पे? आंसर है नो। यहां पे आंसर क्या था एस और यहां पे आंसर क्या होगा नो, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ये अर्ली एम्ब्रियो और ये क्या है लेट एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो से अगर आप बना पाते हो पर लेट एम्ब्रियो से अगर आप नॉर्मल जायगोट को नहीं बना पाते हो तो इसका मतलब क्या है कि लेट एम्ब्रियो आते आते हैं, मतलब जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते जाता है तो सेल्स क्या होने शुरू होते हैं, स्पेसिफाई होना शुरू होता है, सेल्स के अंदर क्या होना शुरू होता है स्पेसिफाई होना शुरू होता है, मतलब यानी कि सेल इरिवर्सिबली डिटरमाइन होने लगते हैं। सेल क्या होते हैं, सेल्स इरिवर्सिबल डिटरमाइन होने लगता है, इरिवर्सिबल सेल के अंदर क्या होने लगता है मतलब डिटरमिनेशन होने लगता है। अगर सेल के अंदर इरिवर्सिबल डिटरमिनेशन नहीं होता तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता, यहाँ पे भी एम्ब्रियो बना सकते थे, जैसे यहाँ पे बना सकते तो यहाँ पे भी मतलब लेट एम्ब्रियो में भी बना सकते थे ना, बट यहाँ पे हमने बात किया कि सिर्फ एक कैपेसिटी किसके अंदर हमें देखने को मिल रही है अर्ली एम्ब्रियो के अंदर, और लेट एम्ब्रियो के अंदर ये कैपेसिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कंक्लूजन ये हो रहा है कि लेट एम्ब्रियो तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज आते आते जैसे कि नॉर्मल मतलब एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियो से हम लेट एम्ब्रियो में अगर जाते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट होते हुए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है सेल्स डिटर्मिनेशन होने लगता है, सेल का डिटर्मिनेशन होता है, सेल का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसी वजह से लेट एम्ब्रियोनिक सेल्स फिर से जायगोट फॉर्मेशन के लिए काम में नहीं आएगा, सही बात है ये। नाउ उसके बाद साइंटिस्ट ने एक अलग ऑर्गेनिज्म को चॉइस किया और वो ऑर्गेनिज्म था मैमल। वो ऑर्गेनिज्म क्या था, सेकंड एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, मैमल के ऊपर, और मैमल में भी मंकी के ऊपर, किसके ऊपर मंकी, और मंकी कौन सा था रेसिस मंकी के ऊपर, किसके ऊपर रेसिस मंकी, जिसे हम आरएच फैक्टर भी कहते हैं, कौन सा मंकी रेसिस मंकी के ऊपर, जिसे हम ब्लड ग्रुपिंग के दौरान आरएच एंटीजन से भी उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे कि एनिमल लाइक मंकी रिसेस मंकी के अर्ली एम्ब्रियो के बारे में, मान लीजिएगा कि ये कोई एट सेल कंडीशन में हमारे पास कौन है मंकी का अर्ली एम्ब्रियो, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे मान लीजिए 8वीं सेल, 8 सेल कंडीशन में है, किसका एम्ब्रियो मंकी का, फिर से यहां पे क्या काम करेगा अर्ली एम्ब्रियो ऑफ मंकी से क्या करेंगे, एक सिंगल सेल को आइसोलेट करेंगे, जैसे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था सिंगल सेल को आइसोलेट करेंगे, और ये सेल क्या है डिप्लोइड सेल होगा, ये सेल कैसा होगा डिप्लोइड होगा, जेनेटिक मटेरियल यहां पे ज्यादा, इस सेल का आप क्या करेंगे हम फ्यूजन करेंगे, इस सेल का क्या करेंगे हम फ्यूजन किसके साथ, एक सेल के साथ, मंकी के एक सेल के साथ क्या करेंगे फ्यूजन, जो सेल कैसा होगा हमारे पास हैप्लोइड सेल होगा, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्या होगा वहां पर क्रोमोसोम होगा, ओके। अगर इन दोनों का हम फ्यूजन करते हो तो क्या होगा एबनॉर्मल क्या होगा जायगोट, एबनॉर्मल जायगोट मतलब जायगोट तो नॉर्मल रहेगा पर उसके बाद एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और वो बचेगा नहीं, मतलब एक कंडीशन पॉसिबल, तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा हमें इन्यूक्लेटेड करना होगा किसको,
किसको इन्यूक्लिएट करना होगा, न्यूक्लियस को। सो यहाँ पे एक सेल का न्यूक्लियस हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे ई न्यूक्लिएटेड एक सेल। पहले एक्सपेरिमेंट के जैसा ही एक्सपेरिमेंट, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एनिमल का नाम चेंज करें। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का फ्यूजन कर देंगे। कौन दो, एक दो सेल, डिप्लॉयड एम्ब्रियोनिक सेल, अर्ली एम्ब्रियोनिक एंड एक सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, जायगोट बनेगा। अब सवाल ये आएगा कि ये जायगोट नॉर्मल होगा? यस, यहाँ पे एक नॉर्मल जायगोट बन रहा था। साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे एक नॉर्मल जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, नॉर्मल जायगोट। नॉर्मल जायगोट के बाद वहां पे क्या हो गया, एम्ब्रियो बन गया। वहां पे क्या बन गया, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो को उठा के हमने कहां पे डाल दिया, या जायगोट को कहां पे डाल दिया, मदर के अंदर। एक सरोगेट मदर के अंदर, जो उसके यूट्रस में, उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो को उस सरोगेट मदर के अंदर क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे। तो मदर के यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और वहां पे क्या होगा, कुछ दिनों के बाद एक क्यूट सा मंकी का पिल्ला वहां पे क्या होगा, जन्म देगा। नॉर्मल बेबी मंकी वहां पे क्या हो रहा था, आ रहा था। खुशी की बात है ये कि मंकी का यहां पे जन्म हो गया। ओके, तो मतलब क्या है कि एनिमल के अंदर भी अर्ली एम्ब्रियो में ये कैपेसिटी पॉसिबल है, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है कि अर्ली एम्ब्रियो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है। अर्ली एम्ब्रियो का एक सिंगल सेल, मान लो कि ये हैश वन सेल है, और ये हैश वन सेल क्या कर रहा है, ये हैश वन सेल क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे हैश टू ऑर्गेनिज्म हैश वन सेल से आ रहा है यहाँ पे, तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कंक्लूजन फिर से वही कि अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल ऑफ एनिमल्स हैविंग द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी। पर अगर हम सेल को अर्ली एम्ब्रियो से आइसोलेट ना करके लेट एम्ब्रियो से अगर आइसोलेट करते हैं, जैसे कि इसके पहले भी हमने यही क्वेश्चन पूछा था, लेट एम्ब्रियो से अगर सेल का आइसोलेशन करते हैं और उसके बाद उसका फ्यूजन भी करते हैं, तो क्या वहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वहाँ पे? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, नो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अर्ली एम्ब्रियो से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे जाता है, लेट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो सेल क्या होने लगता है, सेल स्पेसिफाई होना शुरू हो जाता है। सेल क्या होने लगते हैं, स्पेसिफाई होना शुरू हो जाता है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, मतलब एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी है या नहीं, इसी को हम चेक करने के लिए, हमने मतलब दो ऑर्गेनिज्म के एक्सपेरिमेंट देखा, एक फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट जो रॉबर्ट ब्रिग एंड थॉमस किंग का था, और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किसके ऊपर हुआ, मंकी के ऊपर। और एक छोटा सा सवाल है, अगर मान लो इस हैश वन सेल से अगर हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, तो क्या यहाँ पे हैश टू सेल या हैश थ्री सेल या हैश एट सेल से क्या हम ऐसे ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करा सकते हैं? यस, कंप्लीट करा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अर्ली एट सेल से हम एट मंकी का फॉर्मेशन करा सकते हैं वहां पे, जो यहाँ से अगर इस एम्ब्रियो के सेल को आइसोलेट ना करके अगर इसको नॉर्मली डेवलप होने देते हम, तो वहाँ पे एक ही मंकी आता था। अगर इसके आठ के आठ सेल को हम आइसोलेट करते तो हमारे पास कितने मंकी आ सकते हैं, वहाँ पे आठ मंकी आ सकते हैं। और एक छोटा सा सवाल, एट सेल एम्ब्रियोनिक कंडीशन से एक सेल को अगर वहाँ से हम हटा देते तो वहाँ पे जो सेल्स यहाँ से निकल गई है, तो वहाँ पे उसका डिफिशियंट कंडीशन वहाँ पे ठीक है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है क्या वहाँ पे? जो पिछला एम्ब्रियो जिसमें आठ सेल की बजाय कितने सेल ही बचे हैं, सात सेल, क्या ये नॉर्मली डेवलप हो सकता है? जवाब है हाँ, ये नॉर्मली डेवलप। क्यों? यहाँ पे कौन से टाइप का डेवलपमेंट होता है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे अगर ऐसे नॉर्मली डेवलप होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहेंगे दोस्तों, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। और रेगुलेटिव डेवलपमेंट किस टाइप के स्पेसिफिकेशन में हमें देखने को मिला था,
कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, कौन सा टाइप का स्पेसिफिकेशन था? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में हमें ये बात देखने को मिल गई दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सीधा नहीं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने देखा है। अच्छी बात ये कि दोनों भी एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के जैसे ही थे। अब हम बात करेंगे अडल्ट एम्ब्रियोनिक सेल में, तो मतलब एम्ब्रियोनिक अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स में तो ये कैपेसिटी हमें देखने को मिला, कौन सा कैपेसिटी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का कैपेसिटी, पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने का कैपेसिटी, दैट इज अबाउट द टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी देखने को मिला। क्या अडल्ट के स्टेम सेल में ये कैपेसिटी हो सकती है? अडल्ट के स्टेम सेल में ये कैपेसिटी हो सकती है क्या? तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अडल्ट के स्टेम सेल मत बोलिए कि कोई भी सोमेटिक सेल ले लीजिएगा, सोमेटिक सेल, स्टेम सेल लेना भी जरूरी नहीं, सोमेटिक सेल कही है। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो क्या यहाँ पे इनमें भी कैपेसिटी हो सकती है? तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट हम कंक्लूजन निकाल देंगे, तो आपको मतलब एक्सपेरिमेंट देखना है। अब साइंटिस्ट इनकी इन द 1990s, मतलब कुछ 20-30 साल पहले, साइंटिस्ट का नाम है विलमट। साइंटिस्ट का नाम क्या है? विलमट। उन्होंने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके, क्लोनिंग करके क्या किया, एक शिप का क्लोन बनाया। किसका? शिप। आप सभी जन उसका नाम भी जानते हैं, दैट इज डॉली शिप। किसका? डॉली शिप का फॉर्मेशन किया। और डॉली शिप बनाने के लिए एम्ब्रियोनिक सेल लिए नहीं उन्होंने, उन्होंने कहाँ से सेल्स आइसोलेट किया? एक मतलब जो दो सेल चाहिए थी हमें, जैसे कि जायगोट बनाने के लिए दो गैमेटिक सेल चाहिए, यहाँ पे भी जायगोट बनाने के लिए एक गैमेटिक सेल होगा, दैट इज द एक सेल, और दूसरा क्या होगा? अडल्ट सोमेटिक सेल होगा, अडल्ट का सोमेटिक सेल होगा, सोमेटिक सेल। इस बात को याद रखिए दोस्तों, अडल्ट का सोमेटिक सेल, नॉट द एम्ब्रियोनिक सेल, नॉट एम्ब्रियोनिक सेल। विलमट का जो एक्सपेरिमेंट है ना, अडल्ट सोमेटिक सेल के ऊपर था, ये बात भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि विलमट ने आगे क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट को आगे हम बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो एक सेल लिया था, किसका? अडल्ट शिप का, अडल्ट शिप, जिसको हम नाम दे देंगे हैश टू, नाम क्या दे देंगे? हैश टू। और जिसका सोमेटिक सेल लिया था, जिसका सोमेटिक सेल लिया था अडल्ट, जिसको हम नाम दे देंगे हैश वन, नाम क्या दे देंगे यहाँ पे? हैश वन। चलिए पिक्चर निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। मान लीजिएगा ये दो शिप है जिसका नाम है हैश वन, और दूसरा भी एक शिप होगा हमारे पास, शिप है हाँ दोस्तों, जिसका नाम क्या है? हैश टू। दो शिप। चलो अब हम बात करेंगे कि हैश वन से किसको आइसोलेट कर दिया था? हैश वन से इसके अडर का सोमेटिक सेल आइसोलेट करेंगे, सोमेटिक सेल आइसोलेट करेंगे, ओके। और यहां से क्या करेंगे, हैश टू सेल से हम क्या करेंगे, एग या ऊ साइट कहिए, ऊ साइट को ले लेंगे यहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल कैसे होगा, ये सेल कैसे होगा? डिप्लॉयड होगा ना। और जिससे हम एक सेल को आइसोलेट कर रहे हैं वो क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। वो क्या होगा? हैप्लॉयड होगा, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उनके। उसके बाद यहाँ पे क्या गया, सेल को निकाल ही देते हैं यहाँ पे। मान लो कि ये कोई सेल है हैश वन का, जो न्यूक्लिएटेड है, कैसे? न्यूक्लिएटेड है, बॉडी सेल है उसके अडर का। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से ये कौन है, न्यूक्लियस ऑफ ऊसाइट, ऊसाइट।
हमें पता है कि डिप्लोइड एंड हैप्लोइड को अगर हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो क्या क्या होगा वहाँ पे? ट्रिप्लोइड होगा, और ट्रिप्लोइड कंडीशन नॉर्मल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ई न्यूक्लिएट करना पड़ेगा, ई न्यूक्लिएट करना पड़ेगा। ई न्यूक्लिएट करने के लिए इसका न्यूक्लियस हमें क्या करना है, न्यूक्लियस को रिमूव करके इसको ई न्यूक्लिएटर बनाएंगे। तो अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा सेल था, ई न्यूक्लिएटेड एक सेल, और यहाँ पे न्यूक्लिएटेड अदर सेल। इन दोनों का क्या करेंगे हम, फ्यूजन करेंगे। दोनों का क्या करेंगे हम, फ्यूजन। सेल फ्यूजन हमें पता है, सेल फ्यूजन के बाद क्या होगा, वहां पे एक नया सेल आएगा, दैट इज नोन एज जायगोट, दैट इज नोन एज जायगोट। ये क्या होगा वहां पे, जायगोट होगा। ओके, जायगोट में न्यूक्लियस किसका आ रहा है, जायगोट में न्यूक्लियस किसका आ रहा है, हैश वन का। न्यूक्लियस किसका है, हैश वन। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म दोनों का भी हो सकता है। तो जायगोट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट होने देंगे, नहीं तो उसको क्या करेंगे, सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट करेंगे। सरोगेट मदर के अंदर क्या करेंगे, उसको इम्प्लांट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर इनटू सरोगेट मदर, सरोगेट मदर में ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा वहां पर, एक तीसरा ही हम ले लेंगे यहाँ पे, कौन होगा ये तीसरा, सरोगेट मदर होगा। सरोगेट मदर के अंदर क्या हमने डाल दिया, एम्ब्रियो। मान लो कि कोई एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या किया, इसके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। और इसके यूट्रस में क्या हो रहा है, ये नॉर्मली डेवलप हो रहा है। और कुछ दिनों बाद क्या होगा, वहाँ पे एक बच्चा आएगा। कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम डेज, वहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा पिल्ला आएगा। किसका, शिप का। और उस शिप के पिल्ले को हम क्या नाम देंगे, डॉली, डॉली शिप। देखिए डॉली शिप आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि अडल्ट सेल में भी कैपेसिटी देखने को मिल रही है। कौन सी कैपेसिटी, टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी का। क्योंकि सिंगल सेल को अगर दूसरे सेल के साथ फ्यूज कर दिया जाए तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन रहा है। और ये नया ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम क्या कहेंगे, हैश थ्री कहेंगे। और हैश थ्री का जीनोटाइप किसके जैसा होगा, हैश थ्री जीनोटाइपिकली किसके जैसा होगा, अगर ऐसा पूछा जाए तो किसके जैसा होगा, तो ये हैश वन के जैसा जीनोटाइपिकली होगा। क्योंकि क्योंकि वहाँ पे हैश वन में किसका न्यूक्लियस, मतलब हैश थ्री में किसका न्यूक्लियस जा रहा है, हैश वन का न्यूक्लियस जा रहा है। हैश टू का न्यूक्लियस तो हमने यहाँ से क्या कर दिया था, इन्यूक्लिएट कर दिया था, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो जेनेटिकली जो अडल्ट, मतलब यहाँ पे एक जो प्ला नया जो हमें दिख रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है या ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, पहले का क्लोन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अगर जेनेटिकली सिमिलर आता है तो उसको ही हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। उसको ही क्या कहेंगे हम, क्लोन। सो इट इज अ क्लोन ऑफ, जो पहला था हमारे पास हैश वन का, ये क्या है, क्लोन है। हैश वन का क्या है, क्लोन है। तो यहाँ पे हम क्लोनिंग करा सकते हैं। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो रहा है कि अडल्ट के सेल्स का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अडल्ट के सेल का यूज करके भी हम ऑर्गेनिज्म को फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं। सही बात है। तो कंक्लूजन भी हमें यहाँ पे पता चल गया है, कि कंक्लूजन में हमने ये बता दिया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट विल्मट ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, क्योंकि उसको जो क्लोन बनाने थे शिप के, उन क्लोन्स के अंदर उसको एक प्रोटीन बना था जिसका नाम है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, जो किस डिसीज के ऊपर हम इसका यूज कर सकते हैं, इम्फसेमा डिसीज के लिए हम इसको थेरेप्यूटिक यूज कर सकते हैं, इम्फसेमा।
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम उसके मिल्क के अंदर किसको मतलब आइसोलेट कर सकते हैं, अल्फा वन एंटीटन एज वेल एज ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज के ट्रीटमेंट में भी ये यूज करते हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि आयन के जो चैनल होते हैं ना डिफेक्ट होते हैं, CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। समझ में आ गया दोस्तों? तो एक्सपेरिमेंट किसका था? विल्मट। देखिए विल्मट को अर्ली एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी एक दिक्कत भी आई थी, उस दिक्कत के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दिक्कत क्या थी? अगर हम जो सेल्स आइसोलेट कर रहे हैं, अगर उन दोनों ही सेल का अगर जो फेज, अगर मान लो कि सेल डिवीजन का G2 फेज है, पहले हैश वन सेल की G2 फेज में और मान लो कि हैश टू सेल भी कौन से फेज में, G2 फेज में, अगर ऐसे दो सेल का अगर हम फ्यूजन कर देते हैं वहाँ पे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो साइंटिस्ट विल्मट ने क्या किया, जो सेल एम्ब्रियोनिक सेल आइसोलेट किया था, जो एम्ब्रियोनिक सेल आइसोलेट किया था उसको न्यूट्रिशन डिप्लीशन कंडीशन में रखा था। कौन से कंडीशन में रखा था उसको? न्यूट्रिशनल डिप्लीटन कंडीशन में रखा था। सो न्यूट्रिशनल डिप्लीशन कंडीशन में क्या होगा कि वो सेल किस स्टेज में हॉल्ट हो गई थी, G1 फेज में ही हॉल्ट हो चुके थे। सो G1 फेज वाले सेल को दूसरे सेल के साथ अगर हम फ्यूज करते हैं तो वहाँ पे ठीक है जेनेटिक लेवल पे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आ सकती। किसको? ऑर्गेनिज्म को। किसको? ऑर्गेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट था किसके बारे में, साइंटिस्ट विल्मट एंड हमने ब्रिग्स एंड थॉमस किंग के दो एक्सपेरिमेंट देखे, यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया। सो डेवलपमेंट में आगे जाके कुछ और भी बातें करेंगे दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में, तो डिफरेंट टाइप के जो स्टेम सेल्स होते हैं हमारे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टेम सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि उनके टाइप स्टेम सेल्स के बारे में बात करेंगे। स्टेम सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, उसमें एक स्टेम सेल हम देखेंगे कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, या उसे हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी कह सकते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी कह सकते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। या दूसरी बात करेंगे हम यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में, स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। देखिए मल्टीपोटेंट स्टेम का मतलब, स्टेम सेल का मतलब है कि एक स्टेम सेल डिवीजन होकर बहुत सारे टाइप के डिफरेंशिएटेड सेल्स में मतलब कन्वर्ट हो सकती है। ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहेंगे। जो एक सेल, देखिए प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, HSC, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल है। मतलब क्या है कि यहाँ से हम ब्लड के बहुत सारे टाइप के सेल्स बना सकते हैं, ब्लड के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें हम RBC का प्रोडक्शन भी करा सकते हैं, मतलब फॉर्मेशन करा सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी एरिथ्रोसाइट, WBC का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं यहाँ से, मतलब इससे ही ये आते हैं RBCs WBCs, प्लेटलेट्स जिस सेल से आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहेंगे। या मान लीजिएगा कि न्यूट्रोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल, बेसोफिल को या मेगा कैरियोसाइट सेल को, या मेगा कैरियोसाइट सेल्स के, या मास्ट सेल को हो सकते हो, मास्ट सेल, मास्ट सेल, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हो आप, या टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हो, टी लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट्स या नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एनके सेल जिसे हम कहेंगे, या डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। ये सभी सेल्स एक ही सेल से आते हैं, ये सभी सेल्स एक ही टाइप के सेल से प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहेंगे। जिसका डिवीजन होके बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स वहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दिस सेल्स आर नोन एज प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। जो मल्टीपोटेंट होती है वो टोटल पोटेंट होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि टोटल पोटेंशियल में क्या होता है कि एनिमल्स के अंदर जो 200 नियर अबो, किसी एनिमल के अंदर 200 नियर अबो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। अगर किसी सेल्स के अंदर बॉडी के फॉर्मेशन के लिए लगने वाले सभी के सभी टाइप के सेल अगर प्रोड्यूस करता हो तो उसे क्या कहेंगे, प्लूरिपोटेंट कहेंगे। बट बॉडी के लिए जितना लगता है उससे कम अगर प्रोड्यूस कर रहा हो, मान लीजिए जैसे कि ये ब्लड के जो सेल्स होते हैं ना, ब्लड के सेल्स, उनको अगर प्रोड्यूस कर रहा है पर मतलब कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, तो ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट सेल कह सकते हैं। और यूनिपोटेंट सेल भी यहाँ हमारे पास हो सकती है। यहाँ पे यूनिपोटेंट का मतलब क्या है कि एक स्टेम सेल आगे जाके ठीक है, एक या दो स्टेम सेल मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स को अगर बनाता है तो ज्यादा वो ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल्स को नहीं बनाएगा, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, यूनिपोटेंट स्टेम सेल कहेंगे। जैसे कि मान लो कि न्यूरोनल स्टेम सेल, न्यूरोनल स्टेम सेल जिसका डिवीजन होके दो ही टाइप के सेल्स बनते हैं वहां पर, एक होगा न्यूरोन सेल, एक होगा न्यूरोन सेल और दूसरा होगा ग्लियल सेल, दूसरा होगा ग्लियल सेल। तो ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे, ऐसे न्यूरल स्टेम सेल को क्या कहेंगे, यूनिपोटेंट। या यूनिपोटेंट में तो एक ही टाइप के सेल बनाएंगे, ये तो दो हो गए ठीक है, तो पर यूनिपोटेंट में तो एक ही टाइप के सेल बनाएंगे वो, सही बात है। ओके, अब देखिए स्टेम सेल का एक प्रॉपर्टी, स्टेम सेल के कुछ प्रॉपर्टी में से हम एक दो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्टेम सेल के कुछ प्रॉपर्टी को, स्टेम सेल के कुछ प्रॉपर्टी। स्टेम सेल मेंटेन देयर ओन पॉपुलेशन, स्टेम सेल मेंटेन्स maintains their own population, own population, खुद के population को वो maintain करते हैं। ऐसे cells को हम क्या कहेंगे, stem cell कहेंगे, जो खुद का population maintain करते हैं। मान लो यहाँ पे जब भी stem cell का division होता है ना, तो दो type का division हो सकता है, एक symmetric division of stem cell, symmetric division of stem cell, या asymmetric division भी हो सकता है, asymmetric डिविजन ऑफ स्टेम सेल और सिमेट्रिक डिविजन ऑफ स्टेम सेल। सिमेट्रिक डिविजन में क्या होगा, एक स्टेम सेल जिसी भी टाइप का होगा, मान लीजिएगा कोई ए टाइप का स्टेम सेल है, जब भी ये डिवाइड होगा तो खुद के जैसे क्या करेगा, सेल्स को ये बनाएगा, मतलब कितने बार भी उसका डिविजन होने दो, उसके बाद जो भी सेल आएंगे तो सेल्फ टाइप के ही जैसे सेल आएंगे, मतलब जैसे पहले सेल थे वैसे ही नेक्स्ट सेल डिवीजन के दौरान जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे एक जैसे की सेल हो रही है यहाँ पर। तो सच टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ स्टेम सेल इज नोन एज अ सिमेट्रिक डिवीजन, सच टाइप ऑफ डिवीजन इन स्टेम सेल इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिवीजन। अब बात करेंगे असिमेट्रिक डिवीजन के बारे में, असिमेट्रिक डिवीजन, असिमेट्रिक डिवीजन में क्या होगा कि मान लो कोई स्टेम सेल है, अगर इसका डिवीजन हो जाए तो खुद के जैसा एक सेल बनाएगा और एक नया वाला सेल बनाएगा, जब इसका भी डिविजन हो जाएगा तो भी क्या करेगा, एक खुद के जैसा सेल बनाएगा और एक अलग टाइप का सेल यहाँ पे बनाएगा। पर यहाँ पे अगर हमें पता है कि यहाँ पे भी क्या हो सकता है, एक खुद के जैसा सेल बनाएगा और दूसरा अलग टाइप का सेल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इस टाइप ऑफ डिविजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सेल से आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ठीक है, तो एक अलग सेल बन गया, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है और ये भी एक अलग सेल है। सो सच काइंड ऑफ डिवीजन इज नोन एज असिमेट्रिक डिवीजन ऑफ स्टेम सेल, असिमेट्रिक डिवीजन ऑफ स्टेम सेल, असिमेट्रिक डिवीजन ऑफ स्टेम सेल। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टेम सेल कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, कंप्लीटली एक डिफरेंट टाइप के सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसे भी आपको डिवीजन, मतलब इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिला है कि ओरिजिनल स्टेम सेल डू नॉट मेंटेन ओन पॉपुलेशन, खुद का पॉपुलेशन नहीं मेंटेन करा, मतलब डू नॉट मेंटेन, यहाँ पे डू नॉट मेंटेन, इस कंडीशन पे हमें क्या देखने को मिला है,
होम पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, होम पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। पर अब वो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, इन दोनों कंडीशन में स्टेम सेल अपना खुद का पॉपुलेशन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो स्टेम सेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्टेम सेल खुद का पॉपुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और इसमें अलग अलग सेल्स के अलग से अलग टाइप के सेल में डिविजन होने की कैपेसिटी भी होती है। तो वो इसके हिसाब से हमने दो टाइप के सेल्स भी देखे, एक प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल और दूसरा कौन सा देखा, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स देखा यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेम सेल के बारे में स्पेसिफिक सिग्नलिंग भी होती है, अगर एक स्टेम सेल दूसरे टाइप के सेल में अगर कन्वर्ट होती है, डिफरेंशिएट होती है, तो डिफरेंशिएशन होने के लिए वहाँ पर कुछ सिग्नल की जरूरत होती है। डिफरेंशिएशन के लिए किसकी जरूरत होगी, स्टेम सेल को डिफरेंशिएशन होने के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए क्या लगता है वहाँ पर, डिफरेंशिएशन के लिए सिग्नलिंग की जरूरत होगी। इसकी जरूरत होगी सिग्नलिंग की जरूरत होती है, डिफरेंशिएशन के लिए क्या होगा वहाँ पे सिग्नलिंग का जरूरत है। जैसे कि हम यहाँ पे एक दो टाइप के सेल्स देख लेंगे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि मान लो कि आपके पास एक कोई इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है या स्किन का सेल है, इपिडर्मल सेल है। मान लीजिएगा कि आपके पास इपिडर्मल स्टेम सेल है, कौन सा सेल है, इपिडर्मल स्टेम सेल है। मान लो कि आपके एक इपिडर्मल स्टेम सेल है, अगर इस इपिडर्मल स्टेम सेल को हेयर सेल में कन्वर्ट होना है, हेयर सेल में कन्वर्ट होना है तो क्या करने, किस चीज की जरूरत होगी, सिग्नल की जरूरत होगी वहां पे। किसकी जरूरत होगी वहां पे, एक पर्टिकुलर टाइप का सिग्नलिंग का जरूरत होता है यहाँ पे। क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नलिंग की यहाँ पे जरूरत होती है। सो इपिडर्मल सेल्स को हेयर सेल में कन्वर्ट करना है तो सिग्नल की जरूरत है। तो सिग्नलिंग किस टाइप का मिलेगा यहाँ पे, अगर सिग्नलिंग के बारे में बात करते हैं, वे इपिडर्मल स्टेम सेल कन्वर्ट टू द हेयर टाइप ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे सिग्नलिंग होती है एक प्रोटीन की, दैट प्रोटीन इज नोन एज बीटा कैटेनिन प्रोटीन। आगे जाके हम इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में बात करेंगे, एक दो पाथवे की भी बारे में बात करेंगे इसे। तो एक प्रोटीन है, दैट इज नोन एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एज अ प्रोटीन, उसका नाम क्या है, बीटा कैटेनिन। सो बीटा कैटेनिन जब भी एक्टिवेट होता है तो वहां पे क्या होगा कि इपिडर्मल सेल से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, हेयर सेल में कन्वर्ट होता है। इपिडर्मल सेल को अगर हेयर सेल में कन्वर्ट होना है तो वहां पे किसका एक्टिवेशन चाहिए, वहां पे देयर मस्ट बी द एक्टिवेशन ऑफ किसका एक्टिवेशन होना चाहिए वहां पे, बीटा कैटेनिन। जो ऐसा एक प्रोटीन जो सिग्नलिंग में काम करता है, हमें पता है कि WNT पाथवे के सिग्नलिंग में भी ये काम करता है। कहाँ पे काम करता है, WNT के पाथवे के सिग्नलिंग में भी ये काम करने वाला प्रोटीन है। देखिए, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो इपिडर्मल सेल को किस चीज में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी होता है, हेयर सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, सेल के डिफरेंशिएशन को करने के लिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, CSF कह सकते हैं, जिसे हम कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उन्हें, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं। सो ऐसे कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की वहां पर जरूरत होती है, जो एक सेल को दूसरे सेल के टाइप ऑफ सेल में ट्रांजिशन के लिए मदद करते हैं। मतलब उनके सिग्नलिंग की वजह से क्या होता है वहां पर, कि एक सेल दूसरे टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए, दो कंडीशन यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक इपिडर्मल सेल है, मान लो कि हमारे पास कौन है, इपिडर्मल सेल है। इस इपिडर्मल सेल को सिग्नल करने वाला मॉलिक्यूल कौन है, बीटा कैटेनिन है। इस इपिडर्मल सेल को सिग्नल करने वाला मॉलिक्यूल कौन है, बीटा कैटेनिन है। मान लो कि किसी चीज से हमने बीटा कैटेनिन को ही क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, बीटा कैटेनिन को ही क्या कर दिया यहाँ पे, इनएक्टिवेट कर दिया, या उसको इनहिबिट कर दिया, या उसका सिंथेसिस ही ब्लॉक कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, इसको अगर इनहिबिट करते हैं, बीटा कैटेनिन को अगर इनहिबिट करते तो क्या होगा, वहां पे जो कन्वर्जन हो रहा था या ट्रांजिशन हो रहा था, किसका, इपिडर्मल सेल कहां पे ट्रांजिशन हो रहे थे, इपिडर्मल सेल का ट्रांजिशन हो रहा था हेयर सेल्स में, हेयर सेल में। तो यहाँ पे अगर बीटा कैटेनिन को हम इनहिबिट कर देते तो हेयर सेल का प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, रिजल्ट क्या आएगा, देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ वॉट, हेयर सेल। यहाँ पे हेयर सेल का प्रोडक्शन होगा नहीं, हेयर सेल का प्रोडक्शन होगा नहीं। अगर दूसरी कंडीशन,
अगर हम बीटा कैटेनिन का अमाउंट देखिए दूसरी कंडीशन में क्या देखेंगे, मान लो कि इपिडर्मल सेल को इपिडर्मल सेल सेल्स को कार्टेक हेयर सेल में कन्वर्ट करने वाला कौन था, हेयर सेल में कन्वर्ट करने वाला कौन था, बीटा कैटेनिन। अगर बीटा कैटेनिन का मान लो कि हम ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं, बीटा कैटेनिन का क्या करेंगे, इनहिबिशन की वजह उसके अपोजिट इफेक्ट ओवर प्रोडक्शन करेंगे हम इसका, तो क्या होगा वहां पे बीटा कैटेनिन का अगर ओवर प्रोडक्शन करेगा तो वहां पे हमारे पास इन सेल्स का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा और मैक्सिमम क्या होगा वहां पे, ट्रांजिशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से में तो हमें दो चीजें समझ में आ रही है कि ऐसे टाइप के सिग्नलिंग के लिए कौन जरूरी होता है, वहां पे एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मतलब सेल को एक टाइप के सेल से दूसरे टाइप के सेल में अगर ट्रांजिशन करना है तो वहां पे किसका जरूरी होता है, सिग्नलिंग का जरूरी होता है। और एक सिग्नलिंग का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, दैट इज अबाउट इम्यूनोलॉजी यूनिट में हम बहुत सारे सिग्नलिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिसे हम CSF कहते हैं, जैसे कि पोलोनियम स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी हम जिसे कह रहे हैं। ओके, तो उसके बाद बात करेंगे स्टेम सेल का, क्या स्टेम सेल का फेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे या सराउंडिंग के एनवायरमेंट में डिपेंड करता है क्या, ये हमें देखना है। स्टेम सेल क्या, वन काइंड ऑफ स्टेम सेल मैनिपुलेटेड बाय इट्स एनवायरमेंट टू प्रोड्यूस सेल्स दैट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ और या अनदर टाइप ऑफ स्टेम सेल, क्या अनदर टाइप ऑफ स्टेम सेल में क्या कन्वर्ट हो सकती है क्या, ऐसा हमें देखना है। देखिए दोस्तों, एक स्टेम सेल क्या अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे टाइप के मतलब सेल में कन्वर्ट हो सकती है क्या, ऐसा देखना है हमें। तो इसका जवाब आएगा यस, इसका जवाब क्या आएगा यस। अगर मान लो कि कोई स्टेम सेल है, और मान लो कि स्टेम सेल किस मतलब किस टाइप का सेल है, ब्रेन का स्टेम सेल है, मान लो कि किस टाइप का स्टेम सेल है, ब्रेन का स्टेम सेल है। अगर ऐसे सेल्स को हम मान लो कि हम बोन मैरो में ऐड कर दें, बोन मैरो जहाँ पे किसके स्टेम मतलब किसका प्रोडक्शन होगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है वहां पे अगर हम ब्रेन के स्टेम सेल को ऐड कर दें, वहां पे हम किसको ऐड कर देंगे, ब्रेन के स्टेम सेल को ऐड कर दें, तो क्या होगा उसका फेट, क्या होगा, क्या होना चाहिए दोस्तों उसका फेट। यहाँ पे जो ब्रेन सेल हमने अगर मान लो कि बोन मैरो के स्टेम सेल का अमाउंट हमारे पास कम हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है, और ऐसे कंडीशन में हम बोन मैरो में किसका किसको ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि इस बोन मैरो की रीजन में हम किसको ऐड कर रहे हैं, ब्रेन के स्टेम सेल को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या ब्रेन का पार्ट बनेगा, तो क्या वहां पे ब्रेन का पार्ट बनेगा। हमारे पास दो चॉइसेस होंगे वहां पे, एक तो क्या फॉर्म होना चाहिए, ब्रेन वाला स्ट्रक्चर, या ब्रेन के सभी सेल किसमें कन्वर्ट होने चाहिए, मतलब बोन मैरो में वो किसमें कन्वर्ट होने चाहिए, ब्लड सेल के फॉर्मेशन करने वाले सेल्स में कन्वर्ट होने चाहिए, ताकि वहां से भी क्या हो जाए, ब्लड के जो रिक्वायर्ड सेल्स होते हैं, ब्लड में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करे। क्या हो सकता है यहाँ पे, दोनों में से एक हो सकता है कंडीशन, तो देखिए यहाँ पे जवाब आएगा कि यहाँ पे ये कंडीशन क्यों बनी है। अगर ब्रेन स्टेम सेल को आप अगर बोन मैरो में ऐड करोगे तो वहां पे ब्रेन के जो सेल्स थे, वहां पे ब्रेन के सेल्स तो किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बोन मैरो में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वहां पे क्या होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, ब्लड के सेल्स फॉर्मेशन होने चाहिए, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर इस कंडीशन को हम इन्वर्स करते हैं, अगर मान लो कि बोन मैरो के जो सेल्स है, बोन मैरो के सेल्स अगर ब्रेन के रीजन में हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ब्रेन के रीजन में अगर उनको ऐड कर देंगे स्टेम सेल को, तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, बोन मैरो के सेल्स स्टेम सेल को अगर ब्रेन स्टेम सेल के रीजन में अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा वहां पे ब्रेन सेल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मतलब ये जो सेल्स है ना वहां पे जाकर अपना फेट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वहां पे क्या होगा, फेट चेंज कर देंगे, ब्रेन के सेल्स वहां पे फॉर्मेशन होना
शुरू हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में वहाँ पर किसके सेल्स बनेंगे वहाँ पर, मतलब न्यूरॉन एंड ग्लियल सेल का प्रोडक्शन क्या होगा वहाँ पर, न्यूरॉन एंड ग्लियल सेल, कौन सी सेल, ग्लियल सेल का प्रोडक्शन क्या होगा वहाँ पर ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो ऐसे कुछ चीजें होती है वहाँ पे, मतलब स्टेम सेल के ऊपर कंक्लूजन क्या होगा दोस्तों, स्टेम सेल के ऊपर उसके एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है। तो कंक्लूजन को लिखेंगे हम यहाँ पे, तो कंक्लूजन इज दैट, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज दैट स्टेम सेल चेंजेस देयर फेट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ये क्या कहते हैं, हम फेट चेंज करा सकते हैं, कौन स्टेम सेल। सो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट स्टेम सेल का क्या हो सकता है, वहां पर फेट चेंज हो सकता है। तो ये बातें थी कुछ स्टेम सेल्स के बारे में। तो सिमेट्रिक डिवीजन असिमेट्रिक डिवीजन को भी याद रखिए, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक डिवीजन को भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ एम्ब्रियोनिक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेम मतलब सेल्स के बारे में, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स के बारे में, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स। देखिए अगर कुछ हम अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स के बारे में बात करते हैं और हमें ये पता चल जाएंगे, मान लो कि कोई हमारी एक अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स है, कुछ एक सेल्स है वहां पे 8-9 सेल्स, मान लो कि एम्ब्रियो हमारा कितने सेल कंडीशन का है, 8 सेल कंडीशन का। अगर यहां से मान लो कि किसी मतलब हम इसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे सेल्स को, क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट सेल। अगर इस ब्लास्टोसिस्ट को या ब्लास्टुला को ही मान लो, ब्लास्टुला को ही अगर हम न्यूट्रिएंट प्लेट के ऊपर ऐड कर देते हैं, इसके ऊपर न्यूट्रिएंट प्लेट के ऊपर अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, देखिए यहां पे हम किसको ऐड कर रहे हैं, ब्लास्टुला को अगर हम न्यूट्रिएंट के ऊपर अगर ऐड कर दे रहे हैं, इसको कंसीडर कर दीजिए, बाजू वाले जो सेल्स है ब्लास्टुला के सेल मतलब ब्लास्टोसिस्ट है, और ये क्या है, इनर सेल मास है, ये क्या है, इनर सेल मास, अर्ली एम्ब्रियोनिक इनर सेल मास है मान लीजिएगा, और ये कौन है, ब्लास्टो ब्लास्टोसिस्ट से। अगर न्यूट्रिएंट मीडियम पे इसको अगर हम रख देते हैं, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, ओके मान लो कि हमारा कौन है ब्लास्टुला, और यहाँ पे क्या निकाला था हमने, इनर सेल मास निकाला था यहाँ पे, मान लीजिएगा कि कौन है, इनर सेल मास, दिस इज द इनर सेल मास, और दिस आर द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। मीडियम पे रखने के बाद अगर इसको हम क्या करेंगे, इसमें डिजोल्व कर देंगे, सेल्स को सेपरेट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर इन सेल्स को हम ब्लास्टुला के सेल्स को अगर यहाँ पे क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे यहाँ पे, डिजोल्व का मतलब सेल्स को यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक करके यहाँ पे इसको एक दूसरे से अलग कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि सेल्स का अलग अलग फॉर्मेशन होगा, मतलब अलग अलग क्लम्प फॉर्म करेगा यहाँ पे, सेल क्या करेगा, क्लम्प का फॉर्मेशन करेगा,
सेल्स में ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अगर मेडियम के ऊपर हम यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर देंगे, दैट इज द माइटोटिक इंड्यूसर, माइटोटिक इंड्यूसर या सेल डिवीजन के लिए जो लगता है ना, वो केमिकल अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने वाला, जो क्या करे सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करे एज अ केमिकल यहाँ पे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे अलग अलग से फैक्टर हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे मेडियम के अंदर, मतलब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अभी ये जो सेल्स है हमारे पास लाइक द स्टेम सेल है, लाइक द पैसे सेल है, यहाँ पे स्टेम सेल है, इस सेल से हम मतलब अगर इन सेल्स को अगर हम कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर जिस टाइप का देते हैं उस टाइम में क्या करेंगे कहने को जाए, मान लो कि इन सेल्स को हमने कि ये पहले टाइप के जो सेल्स है यहाँ पे इनको हमने हार्ट के सेल में कन्वर्ट होने के लिए मैसेज दे दिया है, कहाँ पे कार्डियक सेल, कार्डियक सेल्स में कन्वर्ट होने का मैसेज दे दिया है वहाँ पे कार्डियक सेल में, मतलब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ऐसा दिया है वहाँ पे ताकि ये सेल किस चीज में कन्वर्ट हो जाए, हार्ट के सेल में या कार्डियक सेल के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, इसके फॉर्मेशन में हार्ट के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। और मान लो इन सेल को सेकंड सेल को हमने किडनी के फॉर्मेशन के लिए क्या कर दिया स्टिमुलेट किया, और एक थर्ड टाइप जो है यहाँ पे मान लीजिए कि थर्ड टाइप इनको मसल के फॉर्मेशन के लिए क्या कर दिया स्टिमुलेट कर दिया, तो यहाँ से बनेंगे हार्ट के सेल, यहाँ पे बनेंगे किडनी सेल्स और यहाँ पे बनेंगे मसल के। एक्चुअली तीनों जो मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो सेल्स बन रहे हैं इसके पहले ये पहले तो एक ही टाइप के सेल्स है, यहाँ पे क्या किया हमने अलग से स्टिमुलेशन सिग्नल देखे उनको क्या किया अलग अलग टाइप में उनको क्या किया हमने कन्वर्ट किया, क्या ऐसे टाइप के सेल्स अगर हम ऐसे टाइप के सेल्स के अगर हम ब्लास्ट में से कुछ सेल्स निकाल के अगर पूरे के पूरे ऐसे टाइप के सेल्स अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या हम ऑर्गन को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं। अगर मान लो कि ये ब्लास्टुला की कुछ सेल्स है हमारे पास, ब्लास्टुला हमारा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टुला के कुछ सेल्स क्या करेंगे कुछ सेल्स हम क्या आइसोलेट करेंगे, कुछ सेल्स को क्या करेंगे आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट के बाद उसको इन्वायरमेंट दे देंगे ऐसा, और उस आइसोलेटेड सेल्स को क्या करेंगे उससे क्या करेंगे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स फॉर्म करा सकते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हमें ठीक है तो यहाँ पे थेरेपी के लिए काम में आ सकते हैं। जब भी उस ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए जिसका ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के कुछ सेल्स आइसोलेट करने के बाद जो रिमेनिंग सेल थे एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे वो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, और ये ऑर्गेनिज्म जब बड़ा हो जाएगा ये ऑर्गेनिज्म जब बड़ा हो जाएगा तो इस ऑर्गेनिज्म का अगर मान लो कि हार्ट के सेल में कुछ प्रॉब्लम आता है या डैमेज हो जाता है तो हमारे पास उसकी ब्लास्टुला से आइसोलेट कर दिए वाले सेल से क्या बनाएगा हमें हार्ट बना था तो उसको ही हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या उसका किडनी खराब हो जाए तो किडनी हमारे पास उसके ब्लास्टुला से हमने प्रोड्यूस किया है तो उसको भी यहाँ पे इम्प्लांट करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मसल्स को भी दे सकते, कोई भी बॉडी का पार्ट उसका क्या करा सकते हैं बना सकते हैं, सो दैट इज नोन एज थेरेपी, दैट इज नोन एज थेरेप्यूटिक यूज, थेरेप्यूटिक यूज भी कह सकते हैं उसको, हम थेरेप्यूटिक यूज भी कर सकते हैं उन्हीं सेल्स के, उन्हीं सेल्स का। अगर हम अर्ली मतलब एम्ब्रियो का कुछ सेल्स निकाल के रख दें स्टेम सेल बैंक में तो उसे हम कुछ ऑर्गन में प्रोड्यूस करा सकते हैं, लेटर ऑन लाइफ में अगर कोई ऑर्गन हमारा डैमेज होता है तो उसको क्या कर सकते हैं उसे हमारे ब्लास्टुला के सेल से उसका ऑर्गन बना के उसको हमारे बॉडी में रीप्लांट हम मतलब प्लांटेशन कर सकते हैं, तो इसका ये फायदा यहाँ पे हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे कि जब डिफ्रेंसिएशन होता है, जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो डिफ्रेंसिएशन के लिए जीन का एक्सप्रेशन क्या अपना ही जिम्मेदार होता है उसके बारे में बात करेंगे। डिफ्रेंसिएशन सेल का जो डिफ्रेंसिएशन होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स होने के बाद क्या वहां पे अलग अलग डिफरेंशियल जीन एक्टिवेशन होता है, डिफरेंशियल जीन एक्टिवेशन क्या वहां पे डिफरेंशियल जीन एक्टिवेशन होता है,
तो वहाँ पे डिफरेंशियल जीन एक्टिवेशन हो सकता है। मान लीजिएगा कि कोई हमारे पास एक ए सेल है, इसके बाद ए सेल का डिवीजन हो गया और ए सेल एक डॉटर सेल आ गया और एक दूसरे टाइप का सेल आ गया, मान लो कि बी सेल आ गया, और हम ये कह रहे कि दिस आर द डिफरेंशिएटेड सेल। ए सेल कैसे एक दूसरे से, मान लो कि दिस आर द डिफरेंशिएटेड सेल, एक दूसरे से अलग अलग है। डिफरेंशिएटेड सेल्स में हमें पता है कि जीनोम कॉमन होता है। जीनोम क्या होता है? कॉमन होता है, इसका मतलब जीनोमिक इक्विवेलेंस होता है। वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएटेड सेल्स में जीनोम सेम होता है बट एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये हमें प्रूव करना है अभी। ओके, तो उसको समझने के लिए हमें काम करना होगा कि मान लो कि कोई सेल है, ए सेल को थोड़ा सा लार्जर साइज में निकाल देंगे यहाँ पे। मान लो कि ए सेल है और ए सेल का कौन है, न्यूक्लियस है, ए सेल का न्यूक्लियस है और ए सेल के न्यूक्लियस में मान लो कि कोई एक जीनोम में से जीन एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे कोई एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है और उस जीन का नाम दे देंगे हम ए जीन। तो ये ए जीन है जिसका एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। और इसी टाइप का दूसरा सेल है, एक दूसरा सेल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा और मान लो कि इस सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है, इस सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है और वहां पे भी एक जीन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, एक जीन क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है उस जीनोम के अंदर, या उस जीनोम के अंदर ही कोई जीन है। अगर हम अब देखें, अगर हम कोई डीएनए प्रोब बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, पहले कोई डीएनए प्रोब बनाएंगे, डीएनए प्रोब मतलब इस जीन का, मतलब यहाँ पे जो जीन है ना, इस जीन का एक कॉम्प्लीमेंट्री और इस जीन का एक कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस बनाएंगे, इस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस बनाएंगे। प्रोब का मतलब क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस होगा, क्या होगा वहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने डीएनए का फ्रेगमेंट बनाया है ऐसा, और ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर इस डीएनए प्रोब को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं और मान लो कि ये डीएनए प्रोब यहाँ पे जाके बाइंड हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए ना, वहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस प्रेजेंट है। अगर ऐसा ही एक प्रोब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोब को हम दूसरे सेल में ऐड करेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल में। अगर मान लो ये डिफरेंशिएटेड सेल में भी जाके क्या है, उसी रीजन पे अगर बाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है इसका, जो जीन ए सेल में प्रेजेंट है वही सेम जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, बी सेल में प्रेजेंट है। सो फर्स्ट का कंक्लूजन, डीएनए का प्रोब यूज करते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, ए एंड बी सेल का जीनोम कॉमन है, मतलब जो जीन ए सेल में वही जीन कहाँ पे पाए जा रहे हैं, बी सेल में भी वही सेम जीन्स पाए जा रहे हैं। अगर डिफरेंट होते जीन्स तो ये प्रोब दोनों जगह पे बाइंड नहीं होता ना। अगर एक ही प्रोब दो अलग अलग सेल्स में बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उन दो डिफरेंट सेल्स में जीन्स क्या है, कॉमन हो गए, तभी तो जाके ये क्या कर रहा है, सेम प्रोब वहां पे दो अलग अलग साइड पे जाके बाइंड कर रहा है। अब साइंटिस्ट ने काम किया, प्रोब का नेचर बदल गया। अब डीएनए का प्रोब बनाने के बजाय उन्होंने क्या किया, आरएनए का प्रोब बनाया, मैसेंजर आरएनए का प्रोब बनाया। किसका प्रोब बनाया, मैसेंजर आरएनए का प्रोब बनाया। मान लीजिएगा कि ये कोई मैसेंजर आरएनए का प्रोब है, कौन है, एक मैसेंजर आरएनए का प्रोब है और सेम प्रोब यहाँ पे भी हमने बनाया, सेम सीक्वेंस वाला और एक प्रोब बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोब को यहाँ पे ऐड कर देंगे इस सेल में, ए सेल में, और इस प्रोब को क्या करेंगे हम इस सेल के न्यूक्लियस में, बी सेल के न्यूक्लियस में ऐड कर देंगे। अगर मान लो ये जो प्रोब हमने बनाया ए सेल के अंदर जाके अपने एमआरएनए के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके कॉम्प्लीमेंट्रीली बाइंड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्रोब यहाँ पे जाके बाइंड कर रहा है, इसके साथ बाइंड कर रहा है और प्रोब यहाँ पे भी दिया हमने दूसरे सेल में, पर दूसरे सेल के एमआरएनए के साथ वो बाइंड नहीं हो रहा है, डीएनए के साथ बाइंड हो रहा है पर एमआरएनए के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, बी सेल के अंदर सेम प्रोब एक सेल में बाइंड हो रहा है, ए सेल में उसका एमआरएनए का प्रोब बाइंड हो रहा है, एमआरएनए का प्रोब, बट बी सेल में एमआरएनए का प्रोब बाइंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे बाइंड, इसका मतलब क्या है, जीन सेम है बट जीन का एक्सप्रेशन क्या है,
अलग अलग है। यहाँ पे एमआरए में बनाया, इस जीन में एक्सप्रेस एक्सप्रेशन करा के एमआरए में बनाया, बट बी सेल के अंदर जो जीन था यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन हुआ ही नहीं, नो एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन होता तो यहाँ पे ये प्रोब और ये प्रोब तो सेम थे, दोनों जगह पे क्या होता है बाइंड हो जाते हैं ना, दोनों जगह पे क्या होता है बाइंड होता है। तो हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल के अंदर जीनोम कॉम्पाउंड हो सकता है, सेल के अंदर जीनोम कॉम्पाउंड होता है बट जीन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, जीन का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, ये चीज यहाँ से क्या हो सकती है मतलब क्लियरली हमें समझ में आए, जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की थी जीनोम इज सेम, जीनोम इज सेम, डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर जीनोम सेम होता है बट एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज वेरी। तो हमने एमआरएनए के प्रोब से उसको समझ में ले लिया कि एमआरएनए का प्रोब अगर एक ही जगह पे बाइंड होता है और दूसरी जगह पे अगर बाइंड नहीं होता है तो वहां पे क्या मतलब फर्क आ रहा है। ओके, अगर मान लीजिएगा कि ये जो जीन था, अगर मान लीजिएगा ये जीन था बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के लिए, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के लिए ये जीन किसके आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से प्रोटीन आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये प्रोटीन कौन सा काम कर रहा है, मान लो कि ये प्रोटीन कौन है बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है, और अगर बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट आता है और इधर निगेटिव टेस्ट आता है, जहाँ पे बीटा ग्लोबिन मतलब बीटा ग्लोबिन जीन के लिए पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये सेल कौन सा होना चाहिए आरबीसी होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें किसका जरूरी होता है वहां पे ग्लोबिन प्रोटीन का जरूरी होता है, तो ये आरबीसी हो सकता है। और मान लें कि कोई एक ब्रेन सेल है तो यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आ रही है आरबीसी एंड ब्रेन में जीनोम कॉमन है, आरबीसी एंड ब्रेन में जीनोम कॉमन है बट जीन का एक्सप्रेशन अलग अलग जगह पर हो रहा है, जीन का एक्सप्रेशन अलग अलग जगह मतलब आरबीसी में बीटा ग्लोबिन का जीन एक्सप्रेस हो रहा है बट बीटा ग्लोबिन के जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ब्रेन सेल के अंदर बीटा ग्लोबिन के जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन डिफरेंट हो रहा है, एक्सप्रेशन क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है बट जीनोम कैसा है सेम है, जीनोम इज सेम बट जेनेटिक एक्सप्रेशन विल बी डिफरेंट, तो ये बात हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाएगी। ओके, उसके बाद और एक बात हम कहेंगे, समझिएगा कि हमारे पास तो एक मायो डी वन का जीन है, मायो डी वन जीन दैट इज नोन एज मायोब्लास्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर, मायो डी वन का मतलब क्या है मायोब्लास्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर डी वन का कोई जीन है, हमें पता है कि ये जीन नॉर्मली कहां पे एक्सप्रेस होगा मायोब्लास्ट बोन के अंदर, कहां पे मान लीजिएगा कि ये बोन के अंदर बोन सेल्स के अंदर ये जीन एक्सप्रेस होता है, तो मायोब्लास्ट का जब जीन एक्सप्रेस होगा तो वहां पे एक प्रोटीन आएगा मायो डी वन प्रोटीन और ये प्रोटीन काम करेगा एज अ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर, क्या काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर का काम करेगा, मायो का मसल मतलब मसल भी हो सकता है यहाँ पे, और बोन की जगह पे हम कंसर करेंगे कि मसल से मायो के मसल सेल से, तो ये क्या करेगा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर का रोल प्ले करेगा, मतलब ये हेलिक्स लूप हेलिक्स का स्ट्रक्चर होगा उसके पास, और इसके इसी स्ट्रक्चर के सारे ये किसको बाइंड करेगा डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा, किसके ऊपर बाइंड करेगा डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा, देखिए अगर ये डीएनए और एक प्रोटीन है हमारे पास एक कोई प्रोटीन है, अगर कोई प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड करता है तो उस प्रोटीन के पास क्या होना चाहिए मोटिव्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए मोटिव्स होने चाहिए, और यहाँ पे इस प्रोटीन के पास कौन सा मोटिव है फेलिक्स लूप, फेलिक्स मोटिव है जिसके सहारे से क्या कर रहा है डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है, अगर ये डीएनए को बाइंड करता है तो मान लीजिएगा कि यहाँ पे इस डीएनए के ऊपर जो भी जीन है इस जीन का एक्सप्रेशन क्या होगा जीन का एक्सप्रेशन एक्टिवेट हो जाएगा, जीन का एक्सप्रेशन ऑन हो जाएगा, अगर जीन का एक्सप्रेशन ऑन होता है तो वहां पे क्या होगा पॉलीमरेज आके बाइंड करके वहां पे जीन को ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए का फॉर्मेशन कराएगा, क्या करेगा वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन कराएगा, और आरएनए से क्या होगा
मतलब आरएनए का ट्रांसलेशन होकर वहां पे क्या हो सकता है, प्रोटीन आ सकता है, वहां पे कौन आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है। तो ऐसे ही कोई प्रोटीन आ रहा है और एक किस सेल में आ रहा है, मायोब्लास्टिक सेल्स में आ रहा है। अगर अगर देखिए मायोब्लास्टिक जो जीन होता है ना, तो मान लीजिएगा कि कोई फैट सेल्स, कौन से सेल, फैट सेल्स है, कौन से सेल्स है, फैट सेल। फैट सेल के अंदर मान लो कि फैट सेल का न्यूक्लियस है, वहां पर जो भी जीनोम आएगा वो जीनोम के अंदर मायोडी का जीन है, इसका जीन है यहाँ पे। मान लीजिएगा कि इतना जो सारा स्ट्रक्चर है जीन का, दैट इज कोडिंग फॉर द मायोडी वन, इसको कोड कर रहा है, मायोडी वन कोड कर रहा है, ओके। बट यहाँ पे मायोडी वन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, मायोडी वन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि फैट सेल में, क्योंकि फैट सेल में हमें पता है कि मायोडी जीवन होने के बावजूद भी एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है। बट साइंटिस्ट ने काम किया, साइंटिस्ट ने काम किया, वो मायोडी वाला अगर प्रोटीन जो है, प्रोटीन को अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं किस सेल के अंदर, फैट सेल के अंदर, क्या मायोडी वन का जीन एक्सप्रेस होगा? यस ऑफ कोर्स होगा। तो मायोडी वन का जीन एक्सप्रेशन के लिए किसकी जरूरत होगी, ये मोटिव की मतलब प्रोटीन की जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी, इस प्रोटीन की। और ये प्रोटीन हर किसी सेल में बनता नहीं है, बट जिसी से मतलब किसी भी सेल में अगर ये बन पाए ना, तो अपने जीन को क्या कराएगा, ये ट्रांसक्रिप्ट करा के रहेगा, ये अपने जीन को क्या करा के रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन करा के रहेगा। ये बात यहाँ पे हो सकती है, मतलब यहाँ से भी एक ही कंक्लूजन बाहर आ रहा है, कितने भी टाइप के सेल्स होने दो, हर सेल में जीनोम कॉमन होता है, बट जीनोमिक एक्सप्रेशन क्या होगा वहां पर, डिफरेंट होगा। जीनोमिक एक्सप्रेशन क्या होगा वहां पर, डिफरेंट होता है, ये बात आपको समझनी है। जीनोमिक एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफरेंट होता है हर सेल्स के अंदर, डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर जीनोमिक एक्सप्रेशन विल बी डिफरेंट। अब बात करेंगे हम साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन के बारे में, क्या बात करेंगे हम, साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन। नाउ द कॉन्सेप्ट इज अबाउट द साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन, साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन। देखिए दोस्तों, साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है, तो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो जगह होती है ना, वहां पे ये जगह जाएगा। मतलब क्या है कि देख लीजिएगा, ये कोई एक सेल है, मदर सेल है, इसके पास जो भी साइटोप्लाज्म है, जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म को क्या कर दिया जाता है, दोनों डॉटर सेल के अंदर क्या कर दिया, इसको भेज दिया जाता है, दोनों डॉटर सेल के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। बट यहाँ पे एक बात क्या हो सकती है कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट, साइटोप्लाज्म का अमाउंट सेल के पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है और दूसरे जगह पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे पोलैरिटी भी आ सकती है ना, इसीलिए वहां पे क्या हो सकती है, पोलैरिटी भी आ सकती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह सकते हो आप, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी वहां पर हो सकता है। किसका, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट का, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट का। मान लीजिए इस सेल में इस जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और अपर साइड में थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी। तो साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन के बारे में और कुछ बात करें, क्या साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन या इसका कोई इफेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर हो सकता है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन विल अफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट, क्या पोलैरिटी का इफेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ओके दोस्तों। अब हम अगर हम बात करेंगे, मान लो कि हमारे पास कोई एक सेल है, एक सेल है या ओम कहिए, और उसका एक न्यूक्लियस है, इसका क्या है, न्यूक्लियस। तो इस सेल का ये कौन सा कोड होगा, एनिमल कोड होगा, और ये कौन सा कोड होगा, विजिटल कोड होगा। मान लीजिएगा कि ये एनिमल कोड है, एनिमल कोड, और ये कौन सा कोड है, विजिटल कोड है, विजिटल कोड। तो यहां से क्या हो सकता है कि स्पर्म इंटर करा सकते हैं, स्पर्म क्या हो सकते हैं, इंटर करा सकते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अगर हम इस सेल के अंदर मानते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म, मान लीजिएगा कि साइटोप्लाज्म का ज्यादा से ज्यादा या साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट का ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस हो रहा है, विजिटल पोल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इसका। अगर इस सेल को
फर्टिलाइजेशन के बाद अगर डिवीजन का चांस आ रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद मान लो कि एक से दो सेल बन गए यहाँ पे, एक से दो सेल बन गए और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पे, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहाँ पे पाया जा रहा है, इसके अंदर। और उसके बाद फिर से डिवीजन होगा, दो से कितने सेल बन गए वहाँ पे, मान लो कि चार सेल्स बन गए, कितने सेल्स बन गए, चार सेल्स। और जो नीचे वाले सेल्स है उसमें साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है चार सेल्स में। और भी मान लो कि यहाँ पे चार सेल से कितने सेल बन गए, आठ सेल बन गए, यहाँ पे कितने सेल बन गए, मान लो कि आठ सेल बन गए, मान लो कि यहाँ पे आठ सेल बन गया। और जो नीचे वाले जो सेल्स होंगे यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किस में आ रहा है आपका, मतलब नीचे वाले सेल्स में मिला। अगर हम इस एम्ब्रियो का, अगर हम एम्ब्रियो को अलग अलग पार्ट में अगर इसको क्लिक करते हैं, अगर इसको हम अलग अलग पार्ट में अगर क्लिक करते हैं, मान लो कि पहले हम इसको वर्टिकली क्लिक कर देते हैं, वर्टिकली इसको क्या कर देंगे, क्लीवेज कर देंगे। मान लो कि पहला जो क्लीवेज है यहाँ पे वर्टिकल क्लीवेज कर देंगे, इसको वर्टिकल क्लीवेज करते हैं। वर्टिकल क्लीवेज करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, दो अलग अलग सी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, मतलब क्या अलग अलग नहीं, दो सेम चीजें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कट करने के बाद रिजल्ट में क्या होगा कि ये कुछ सेल्स और ये सेल्स यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का बहुत ज्यादा पहुंच, मतलब चार सेल ऐसे में आना और दूसरे चार सेल्स कैसे में आना, ऊपर वाले दो है और नीचे वाले दो ऐसे मान के चलेगा। तो साइटोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन किसके पास आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों को भी एक सेल में कोई भी साइटोप्लाज्मिक ग्रेडिएंट नहीं है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे दूसरी सेल में साइटोप्लाज्म का डिटरमिनेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन और दोनों की जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद अगर इसी अर्ली एम्ब्रियो को, अगर इसी अर्ली एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली क्लीव करते हैं, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज कर देते हैं, इसका क्या कर देंगे हम इसका, मान लो कि हॉरिजॉन्टल क्लीवेज कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज कर देंगे। हॉरिजॉन्टल क्लीवेज के बाद यहाँ पे रिजल्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्लिक करने के बाद ऊपर वाले दो सेल्स ऐसे, उसके साथ दो सेल्स और थे, और क्या होगा प्लस में, ये नीचे वाले दो सेल्स यहाँ पे, नीचे वाले दो सेल्स यहाँ पे कंटेंट अलग होगा, और इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं, तो क्या यहाँ से सेम ग्रोथ हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे कंटेंट अलग होने से यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई देगा आपको, क्योंकि साइटोप्लाज्म कंटेंट इस पार्ट में, जैसे कि ये नॉर्मल सी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं, दोनों सेल का कंटेंट आप देखें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे क्या हो रहा है वहां पे, साइटोप्लाज्म डिटरमिनेंट आ रहा है और उस सेल को भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा, एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है कि डिफरेंशियल, मतलब हमें पता है कि अर्ली एम्ब्रियो के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेडियंट होता है उसका सिग्नलाइजेशन बहुत अच्छे से होना बहुत जरूरी है। अगर किसी सेल में बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है या एम्ब्रियो के अंदर और किसके पास कुछ भी नहीं होता है, जैसे ये दो कंडीशन थी हमारे पास, तो दोनों ही कंडीशन में ग्रोथ क्या होगा, नॉर्मल होगा या अबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात थी यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को यही पे खत्म कर देते हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पे हम रुकते हैं टॉपिक को, जय हिंद दोस्तों।